वंश कल्पत्रुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावने भयो वैष्णवे भयो नमो 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 महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य गौरतुविषये नम तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपी का कांत राधा का नमो सुते वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशव सच विष्णु भक्ति परदे देवी सत्यवते नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हाँ जी, हम लोग पिछले 14 सेशन से हरि नाम के ऊपर चर्चा कर रहे थे। आज हम हरि नाम के 64 मालाएं और उसके ऊपर क्यों करना चाहिए, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। मैं आपको प्रमाण दूंगा विभिन्न हमारे आचार्यों के और शास्त्रों के कि वो क्या बोलते हैं, हर एक्चुअली फॉलो क्या करते हैं। ये बात मैं पहले बता चुका हूं कि हरि नाम जो है गोलोक धाम में राधा रानी इसका स्वयं जप करती हैं। इसी जप के कारण कृष्ण हर समय उनकी आंखों के सामने उपस्थित रहते हैं, क्योंकि नाम नामी से अभिन्न है। उन्हें ये भय है कि कृष्ण मेरा साथ छोड़कर किसी अन्य सखियों के पास ना चले जाए, इसलिए वो निरंतर जाप करती हैं। नाम के प्रभाव से कृष्ण हर समय उन्हीं के पास उपस्थित रहते हैं। दूसरा, ब्रह्मांड पुराण में वर्णन आता है ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है इसका जाप वृषभानु और कीर्तिदा माता जी ने किया है। वृषभानु राधा जी के पिता हैं और कीर्तिदा उनकी माता जी हैं। उन्हें कोई संतान नहीं थी और उन्होंने माँ दुर्गा जी की उपासना की थी, माँ मुझे कोई संतान नहीं है। और माँ दुर्गा स्वयं प्रकट होकर कहती हैं कि तुम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करिए, इसे तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। इसी मंत्र का आश्रय लेने के कारण उन्हें राधा रानी की प्राप्ति हुई है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो हरे कृष्ण महामंत्र है साक्षात राधा जी का मंत्र है, ये भक्ति को प्रकट करता है। राधा रानी स्वयं भक्ति स्वरूप है, भगवान की हलादनी शक्ति है, आनंद प्रदान करने वाली है। और जहाँ पे राधा रानी होती है वहां पे कृष्ण स्वयं आते हैं। आपको कृष्ण के पास जाना नहीं, कृष्ण स्वयं आपके पास चल के आएंगे। सबसे बड़ी विशेषता यही है महामंत्र की। और कलिसंत उपनिषद में भी इसका वर्णन आता है। नारद जी जाते हैं ब्रह्मा जी के पास और कहते हैं कि भाई द्वापर युग के अंत में गए थे और कहा थे भाई मुझे बताओ कि जीवों का उद्धार कैसे होएगा, तो फटाफट कैसे हो सकता है, क्योंकि कलयुग बहुत ज्यादा ही डिग्रेडेड है, यानी बहुत ज्यादा पतित है, तो किस प्रकार जीव का उद्धार हो सकता है ये कृपा करके बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा आपने बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न किया है सब जीवों के उद्धार के लिए, क्योंकि कोई साधन बनते ही नहीं है, मन तो दूर की बात है, मन तो लगता ही नहीं किसी का भी, और भी पूजा पाठ यज्ञ तप जो है सारे निष्फल जा रहे हैं, क्योंकि न करने वाले शुद्ध है न कराने वाले शुद्ध है, सभी चीज उनके निष्फल जा रही है। लोग पैसे खर्च कर रहे हैं लाखों रुपए में लेकिन उन्हें परिणाम कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। तो उन्हें कहा कि केवल भगवान के नाम का जप करने से इंसान सब कुछ प्राप्त करता है। सिंपली बाई चैंटिंग द ट्रांसेंडेंटल नेम ऑफ द ओरिजिनल एंजॉयर एंड द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड है लॉर्ड नारायण ऑल सिंस विल बी क्लेंज्ड इन कलयुग।
तो नारद जी पूछते हैं, नारद मुनि अगेन आस्क्ड, व्हिच आर दोस स्पेसिफिक नेम ऑफ द लॉर्ड व्हिच आर मोस्ट इफेक्टिव इन कलयुग। कहते हैं कौन सा नाम सबसे ज्यादा प्रभावशाली है जो कलयुग में आप इन सब पापों का नाश कर देगा, यदि प्रभावशाली नाम बताइए कौन सा मंत्र है जिसको हमको करना है। तो ब्रह्मा जी ने कहा द 16 वर्ड्स हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहते ये जो मंत्र है ये खास कलयुग जीवों के लिए है और उनके सारे पाप अब कली के सारे दोष, यदि कलयुग के सारे दोष को दूर कर सकता है। तो कहते जो अपने आप को कलयुग से बचाना चाहते हैं, दोष से बचाना चाहते हैं, तो कहते हैं उनके पास कोई विकल्प नहीं है, केवल इस महामंत्र का जाप करने का और कुछ नहीं है। फिर आगे कहते हैं कि महामंत्र कंसिस्ट ऑफ 16 नेम्स ऑफ कृष्णा इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ द 16 इल्यूजनरी कवरिंग ऑफ ऑल द लिविंग एंटिटीज। मतलब क्या, ये 16 नाम है 16 आवरण को भेदता है। ये 16 आवरण क्या है, हमारी आत्मा के ऊपर 16 आवरण है, 10 इंद्रियां, 1 मन, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब मिलाकर 16 होते हैं। 16 नाम इन 16 आवरण को भेद करके हमें भगवान के चरणों में लेके जाता है, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। Only when the coverings are destroyed, Lord Krishna, the Supreme Personality of Godhead, will appear in the heart of the living entities. तो कहते हैं जब सारे आवरण उसके खत्म हो जाएंगे जाप के द्वारा, तब भगवान उसके हृदय में प्रकाशित होते हैं। Just like the sun appears with the full intensity when the clouds are removed, जिस प्रकार सूर्य प्रकट होता है जब बादल नष्ट हो जाते हैं, हट जाते हैं। नारद जी फिर प्रश्न करते हैं, व्हाट आर द प्रोसीजर एंड रूल्स फॉर चैंटिंग द महामंत्र, उस पे कोई नियम है क्या, मुझे बताइए किस प्रकार किया जाता है। लॉर्ड ब्रह्मा रिप्लाइड, देयर आर नो रूल्स एंड रेगुलेशन टू चैंट दिस मंत्र, इसके लिए कोई नियम की आपको आवश्यकता नहीं इस महामंत्र का जाप करने के लिए। इट शुड बी चैंटेड ऑलवेज इरिस्पेक्टिव वेदर वन इज इन अ प्योर और इम्प्योर कंडीशन, इसका निरंतर जप करना चाहिए, चाहे इंसान शुद्ध अवस्था में हो चाहे वो अशुद्ध अवस्था में हो, इंसान को निरंतर हरि नाम करना चाहिए। ये स्वयं हमको ब्रह्मा जी ने कलि संतोपनिषद में ये बात कही है, इंसान को ये विचार करने की आवश्यकता नहीं, मैं शुद्ध नहीं हूँ तो मैं कैसे भजन करूँगा, हरि नाम जीव को शुद्ध बनाता है। नहाने से केवल शरीर की मैल दूर होती है, शुद्धता तो भगवान के नाम से आती है। इसलिए इंसान को कोई मर गया है, कोई पैदा हो गया है, हम कहते हैं कि सूदक लग गया है कि भजन भी करना चाहिए, भाई या तो कह दो मंगल भवन अमंगल हारी, कि प्रभु का नाम जो है अमंगल का नाश करने वाला है, मंगल प्रदान करने वाला है। तो अगर हम कहते हैं समय बुरा है तो हमें उस वक्त भजन करना चाहिए कि भजन छोड़ना चाहिए। अगर हम कहते बुरा समय है, चल रहा है कि मृत्यु हो गई या घर में कोई पैदा हो गई, हम अशुद्ध अवस्था में हैं, उस वक्त अमंगल को मंगल करने के लिए प्रभु का नाम है, इसलिए हमको हर वक्त हर स्थिति हर परिस्थिति में नाम जपना चाहिए। अगर आप नाम जब छोड़ देते हो बाकी उस तो आप और अमंगलकारी कर देते हो उस समय को, बाय चांस आपकी मृत्यु आ गई तो क्या बगैर प्रभु का नाम जपे शरीर छोड़ोगे, आप हॉस्पिटल में बाय चांस आप नहीं नहा सकते हो तो क्या प्रभु का नाम नहीं लोगे, ऐसा नहीं होता है। मंगल भवन अमंगल हरि का अर्थ होता है कि सारे अमंगल नष्ट होते हैं, तो समय शुभ हो जाता है, शरीर शुद्ध हो जाता है, काल शुद्ध हो जाता है। और मैंने रामचरितमानस के अंदर आप लोगों को कई बार सुनाया है कि काल कैसे शांत होता है, प्रभु की कथा और नाम कीर्तन सुनने से काल शांत होता है। और काल क्रोधित क्यों होता है, क्योंकि हम प्रभु को भूल चुके हैं। यह किष्किंधा काम में बाली सुग्रीव के प्रसंग में इसको मैं कई बार आप लोगों को समझा चुका हूं। इसलिए इंसान को ये विचार करने की आवश्यकता नहीं कि मैं शुद्ध हूं कि अशुद्ध हूं, कि सुबह के शाम में कोई भी समय 24 घंटे हम भगवान के नाम का जप कर सकते हैं।
When one chants the 16 name of the Mahamantra, जब हम ये 16 नाम वाले हरि नाम को महामंत्र का जप कर कितना 35 million 3.5 crore जप he absolves himself of the sins of killing a brahman or a kshatriya yani usse brahm hatya kshatriya hatya stealing of a gold this sone ki chori or engaging in harmful activity jo koi main paap kar karm kiye hain ya kar raha hu towards one four fathers or other living entities chahe maine apne pitron ke prati bhi dosh kiya hoga aur या हम दूसरों के प्रति मैंने कुछ अपराध किया गा सारे के सारे दोष खत्म हो जाते हैं लोग कहते हैं पितृ दोष है पितृ दोष हम उस पर लिखा हुआ है कि वंस फोर फादर्स तो यानी जो कुछ आपके पितृ के प्रति अपराध किया या दोष है सब हरि नाम से ठीक हो जाते हैं आपको और कुछ करने की ज्योति ये हरे कृष्ण महामंत्र पर्याप्त है अब ये 3.5 crore जब कब होते हैं जी जब हम प्रतिदिन 64 माला करते हैं 64 को 108 से मल्टीप्लाई करिए तो होता है 6912 इसको आप 365 दिन से मल्टीप्लाई करिए और 14 साल करिए तो वो हो जाता है 3.5 crore जप यानी अगर हम प्रतिदिन 64 माला करते हैं और 14 साल के अंदर हमारे 3.5 crore जप हो जाते हैं हमारे संचित प्रारब्ध और क्रियामान सारे के सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं मैं पढ़ के भी सुनाता हूँ By chanting the Mahamantra, one becomes quickly purified from all sins accumulated due to rejecting of all one duty in a past life. हम सारे पाप जो हमारे इकट्ठे हुए हैं वो साफ हो जाते हैं नष्ट हो जाते हैं Thus, दोस्त हरे कृष्ण महामंत्र यदि ओनली मीन्स द ओनली means of thoroughly and immediately purifying oneself in the kaliyug to kehte ek yahi mantra hai jo hamare sare papon ka prayaschit karata hai aur usko nash karta hai to mera kehne ka matlab kya hai 64 ko agar hum 64 rounds karte ek mala 108 ki hoti hai 64 mala ko aap multiply karoge 108 se 6912 hota hai into 365 days Into 14 years, आपके 3.5 crore जप पूरे हो जाते हैं आपके उस वक्त सारे कर्म खत्म हो उसके बाद जो जाप होएगा वो भगवान का प्रेम प्राप्ति के लिए होएगा और लीला दर्शन के लिए होएगा उसके बाद जो जाप होता है कलि संतोपनिषद इस बात को घोषित कर दिया और अगर आप 32 माला करोगे तो 28 साल लग जाएंगे क्योंकि तो हाफ करोगे डबल टाइम 16 करोगे तो 56 साल लग जाएंगे तो अब हमको डिसाइड करना है कि हमको कितनी जल्दी हमको कितनी घाई है कितनी तीव्रता है भगवान के दर्शन के कर्म को नष्ट करने के कौन से कर्म किधर जागृत हुए किधर हमें मारे किस रूप में मारे हम कह नहीं सकते हैं इसलिए हमको ये चिंता होनी चाहिए हम फटाफट अपने कर्मों को शांत करें अगर आप 128 माला करते हो तो आपके 7 साल में पूरे हो जाते हैं 192 माला कर तो 192 तो आपके 3.5 साल में पूरे हो जाते हैं तो लेकिन इसका मतलब इसके बाद हमें रुकना है मैंने कंटिन्यूस करना क्योंकि ये तो अभी केवल कर्म नष्ट हुए हैं हमें प्रेम प्राप्त करना है इसलिए साधु संग और भगवान की कथा साथ साथ चलनी चाहिए ताकि हमें कई दीर्घ काल तक हमें करना पड़ेगा तब जाके हम प्रेम के अधिकारी बनते हैं अन्यथा हम नहीं और दूसरी चीज हम क्या क्या अपराध करे हैं प्रतिदिन 10 नाम अपराध होते हैं उन 10 नाम अपराधों से हमें रहित भी होना पड़ेगा गुरु के आज्ञा ना माना नाम के बल पे हम पाप कर्म करते हैं ये समझना कि प्रभु का नाम जो है सारे पाप को नाश करता है तो मैं पाप कर्म कर लो तो नाम जप लूंगा ये बड़ा घोर पाप होता है नाम के बल पे और अपराध करना और नाम की तुलना अन्य क्रिया से ज्ञान से कर्म से या किसी और से करना ये बहुत बड़ा अपराध है क्योंकि नाम की तुलना ना ज्ञान से हो सकती है ना कर्म से हो सकती है किसी से भी नहीं हो सकती नाम के समान केवल नाम ही है कोई वैदिक मंत्र इसके तुलना में नहीं है क्योंकि वैदिक मंत्र मुक्ति प्रदान करते हैं
लेकिन वो प्रेम नहीं दे सकते। नाम प्रेम प्रदान करता है, निज धाम में निजी सेवा देता है। तो ये जो नाम है वैदिक मंत्रों से भी ज्यादा श्रेष्ठ है, इंक्लूडिंग गायत्री मंत्र जो है वो भी हमें मुक्ति देते। आपको वैकुंठ ले जाएंगे, वैकुंठ ले जाने के बाद इनका प्रभाव खत्म हो जाता है, उसके बाद इनका प्रभाव नहीं रहता है। और जब प्रभाव नहीं रहेगा तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? तो हमें तो गोलोक धाम में जाना है, और गोलोक धाम में जाके प्रभु के निज धाम की निजी सेवा करनी हमको। एक बार याद रखना, इससे जीव का महामंत्र का आश्रय लेके जप करना चाहिए। अब मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं कि कहां का शास्त्रों में लिखा हुआ है। ऐसे और भी जगह होंगे, जितने मेरे पास कलेक्शन में उसमें से बता रहा हूं। चैतन्य भागवत है, ये वृंदावन दास ठाकुर जी का लिखा हुआ ग्रंथ है, जो स्वयं वेदो व्यास जी के अवतार हैं। और हम नवदीप परिक्रमा करते हैं तो वृंदावन दास ठाकुर के स्थान पे जरूर जाते हैं। मामा गची जगह का नाम है जहाँ पे हम जाते हैं, उनका जन्म स्थान है। और उन्होंने स्वयं चैतन्य भागवत अंत्य खंड 9.121-122 स्वयं चैतन्य महाप्रभु हमको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? प्रभु बले जाना लक्षेश बलि करे, प्रतिदिन लक्ष्य नाम यह ग्रहण करे। कहते हैं कि दो यू नो हु इज लक्षेश, क्या आप जानते हो कि लखपति कौन है? ही इज समन हु चैंट 1 लाख होली नेम्स 64 राउंड ऑफ द हरे कृष्णा महामंत्र एवरी डे। यानी गौड़िया लोग 64 को 1 लाख इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप मल्टीप्लाई करोगे 16 माला को 108 से, तो क्या होता है 1728 का फिगर आता है। इसमें 16 नंबर लेकिन 32 अक्षर है। जैसे हरे ये 2 अक्षर हो गया, कृष्णा ये 2 अक्षर हो गया, र और म 2 अक्षर हो गया, तो इस हिसाब से वो उसको हम 32 बोलते हैं कि 32 अक्षर है इसमें। 16 नाम 32 अक्षर है, तो अगर 16 को 108 से मल्टीप्लाई करते हो तो 1728 होता है। फिर आप 16 से मल्टीप्लाई करो तो 32 अक्षर, तो फिर 16 से तो 27,000 कुछ फिगर आता है। तो हम लोग राउंड फिगर 25,000 पकड़ लेते हैं, तो 32 माला को 50 पकड़ते हैं और 64 को हम 1 लाख बोलते हैं। लेकिन जब हम कैलकुलेशन करते हैं 3.5 करोड़ जब की, तो एक कैलकुलेशन हमारी 6912 के हिसाब से चलती है। 64 × 108 = 6912 × 365 days × 14 years हमारे 3.5, ये हिसाब कैलकुलेशन से चलता है। तो महाप्रभु ने स्वयं कहा है कि जो 1 लाख खाली नाम यानी 64 माला करता है तो कहते हैं वो लखपति है। फिर आगे कहते हैं श्री गौर सुंदर स्पोकर्स फॉलो द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है एक्सेप्ट सर्विस ओनली इन द होम ऑफ डोजो चैन 100,000 नेम डेली। जो प्रतिदिन 64 माला करते हैं हमारे प्रभु उसी के हाथ से भोग ग्रहण करते हैं, अन्यथा नहीं। क्यों इतनी माला करने पे? क्योंकि हमको प्रभु का प्रेम प्यारा है। इतनी माला रोज करोगे तो प्रेम प्राप्त होगा ही होगा, आपके भाव बनेंगे ही बनेंगे। जब तक प्रेम आप भाव नहीं बनते हैं तब तक प्रभु हमारे हाथ से भोग ग्रहण नहीं करेंगे। आप कितना भी सोने के पात्र में रख दीजिए, तुलसी भी डाल दीजिए और बढ़िया से बढ़िया व्यंजन बनाइए, अगर मूल में प्रेम नहीं है तो कभी भी प्रभु ग्रहण नहीं करते हैं। आजकल लोग जो है भोग बनाते हैं कंपटीशन के भाव से, मैं बनाऊंगा वो कहता मैं, लड़ाइयां होती हैं। ये बताओ जो चीज वैर भाव ईर्ष्या भाव से सेवा की जाती है क्या उस सेवा को भगवान कभी ग्रहण करेंगे? भगवान तो कहते हैं कि जो प्रेम से मुझे अर्पण करता है मैं उसी के हाथ से करता हूँ। लोग माला तो करते नहीं है और प्रदर्शन के भाव से कंपटीशन या एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं और उस हिसाब से लोग भोग बनाते हैं, तो वो भोग कभी भी भगवान ग्रहण नहीं करेंगे। हमेशा हमको मूल में प्रेम होना चाहिए, फिर तुलसी वगैरह तब तो बहुत बढ़िया है, लेकिन मूल में प्रेम होना चाहिए। बगैर प्रेम के कुछ नहीं होगा। दिखता रहा कि हम भोग लगा रहे हैं लेकिन क्या हमारे प्रभु भोग ग्रहण करे? अगर भोग ग्रहण किया होता तो एक दिव्य रस की प्राप्ति होती।
हमारा अंतकरण शुद्ध हो जाता था। तो क्यों शुद्ध नहीं हो रहा है? क्योंकि लगाने वाले के भाव शुद्ध नहीं है और जो बना रहा है उसके भी शुद्ध नहीं है, इसलिए आपको लाभ नहीं मिल रहा है जैसा आपको मिलना चाहिए। सेकेंडली, लोग प्रोफेशन है, प्रोफेशन के हिसाब से जो आपको तनख्वाह दी जाती है, विग्रह की सेवा करो इतने समय करना। जैसे कोई इंसान कंपनी में नौकरी करता है उसको तनख्वाह मिलती जाती है, उसको कोई अटैचमेंट तो नहीं होती उस कंपनी के प्रति, क्योंकि तनख्वाह नहीं मिलेगी, छोड़ के चला जाएगा। इसी कारण से हमें भगवान की सेवा विद अटैचमेंट करनी है, नौकरी के हिसाब से नहीं करनी है। जब हम नौकरी के हिसाब से करोगे तो कोई आपको मतलब भी नहीं है, आपको भगवान की कोई सेवा नहीं हो रही। दिख रहा है कि आप सेवा करो लेकिन वास्तव में कोई सेवा नहीं होती, क्योंकि आपको फीलिंग ही नहीं उसके प्रति, भाव ही नहीं उत्पन्न हो रहे हैं। The Lord accepts भोग एंड अदर इंग्रेडिएंट ओनली फ्रॉम सच पर्सनैलिटी। Those who don't chant 1 lakh rounds daily, यानी 1 lakh नहीं मैंने 64 rounds daily, are never awarded the great fortune of rendering service to the Lord by offering नैवेद्य। यानी वो भगवान को कोई सेवा नहीं कर सकता, कोई भोग नहीं लगता है। This is because the Lord never accepts their offering, क्योंकि भगवान कभी उनके भोग को ग्रहण नहीं करते हैं। देखो उसको प्यार भी दिया हुआ है, जिनी लक्षण नाम ग्रहणे करे ना तहारे निकटे है ते भगवान, नैवेद्य स्वीकार द्वारे सेवा सौभाग्य प्रदान करे ना। बस वही मतलब है कि जो 64 माला नहीं करते हैं भगवान उनके हाथ से भोग ग्रहण नहीं करते। तो इससे हमें प्रमाण मिलता है कि हमें भगवान की माला कितनी करनी चाहिए, और ये चैतन्य भागवत स्वयं इस बात को बता रही है। और होता क्या है, हमारे आचार्य समझाते हैं, वी शुड बी केयरफुल नॉट टू अवॉइड द चैंटिंग ऑफ 64 ऑन डेली ड्यू टू आवर अवर्समेंट टू द प्रोसेस ऑफ चैंटिंग, क्योंकि मेरा दिल नहीं करता है नाम जप करने का। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि हमको भगवान का जप नहीं करना चाहिए या माला कम कर लो, जिस प्रकार संख्या पूरा करो, चाहे हमारे संख्या 4 रखती रोज की, हमने केवल 10 माला की संख्या रखी, 16-20 की रखी, उससे आगे हमने बढ़ना नहीं, क्योंकि कहा गया कि संख्या पूरक नाम करो। ये कि जिसके इस प्रकार के विचार है वो गलत है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि महाप्रभु जो बोल गया, हमारे आचार्य जो बोल गया, उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि जो नए कमर आते हैं उनको हम नहीं बोल सकते कि आप 64 से शुरू करिए, हम बोलेंगे 4 से शुरू करो, फिर 10 से शुरू करो, धीरे धीरे बढ़ाओ। हमको उनको इनकरेज करने का है, धीरे धीरे उसके अंदर टेस्ट पैदा करके और उसको मिनिमम 64 के लेवल पे लेके आना। मिनिमम 64, मैक्सिमम नहीं, ये मिनिमम है। इसलिए हमारे आचार्यों ने हमारे जो, मैं आपको बता देता हूँ, ये जो 4 मन के साइड में लगा के दिए हैं, 16 इस तरफ हैं, 4 इस तरफ हैं। ये 4 का अर्थ होता है 1 16, 2 16, 3 16, 4 16। नहीं तो इन मणकों की बिल्कुल हमको जरूरत नहीं थी अगर 64 नहीं होती तो। ये 4 का मतलब ही यह कि हमारे आचार्य ने कह दिया कि तुमको 4 लोट नीचे करने हैं, यानी हमें प्रतिदिन 64 माला करनी। हाँ, कोई ग्रहण करे नहीं करे माने वो उसकी मर्जी है, मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ और समझा रहा हूँ कि हमें रोज इतना करना चाहिए। समटाइम्स माया क्रेस एंड इल्यूजन by offering us so many other things to do rather than chanting 1 lakh names only। कभी कभी माया इस प्रकार क्या क्या कहती है, हमारे को मोहित करती है कि बहुत सी हमको सेवा दे देगी, आप ये सेवा करो, वो सेवा करो, सब सेवा करो, लेकिन 64 माला मत करिए। It may be in the form of some other kind of devotional service, यानी कई सेवा हो सकती है, मठ से संबंधित सेवा हो सकती है। तो कहते हैं ये सब भक्ति के अंतर्गत है, भक्ति के अंतर्गत आ रहा है, आपको 64 माला नहीं करोगे, एक ही बात है, एक ही बात है, ये गलत है। माया मेक्स द डिवोटीज थिंक दैट एनी फॉर्म ऑफ डिवोशनल सर्विस इन द साधन स्टेज इज इक्वल टू द चैंटिंग एंड डस्ट चीज देम ऑफ द डिटर्मिनेशन टू कंप्लीट द चैंटिंग ऑफ द 1 lakh नेम डेली।
तो कहते हैं माया क्या करती है, भक्तों को धोखा देती है उनके कहने के लिए दैट एनी फॉर्म ऑफ डिवोशन सर्व, जो भी आप भक्ति कर रहे हो इज इक्वल टू दिस चैंटिंग. नहीं, ये गलत है. आप चैंटिंग की तुलना किसी से नहीं कर सकते, कोई क्रिया से नहीं कर सकते हो. एंड दस सिस्टम ऑफ द डिटर्मिनेशन चैंटिंग और उनकी दृढ़ता को रोक देते हैं कि भाई आप एक लाख मत करिए. मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये जो म्यूट कर दो, किसी का ऑन है तो डिस्टर्बेंस हो रही है, म्यूट कर दो प्लीज. माया इज फुली अवेयर दैट इफ अ स्पिरिचुअल एस्पायरेंट शिफ्ट टू द प्लेटफॉर्म और चैंटिंग 64 ऑन डेली. माया को पता है कि अगर जो साधक है वो 64 माला करने का प्रयास करे रोज, then such a person will become a pure lover of Gauranga Krishna very soon by dint of his constant chanting. वो भगवान कृष्ण का या महाप्रभु का प्रिय बन जाएगा लगातार जाप करने मात्र से. After becoming a pure lover of Krishna, भगवान का शुद्ध भक्त बनने पे that pure devotee will start preaching very powerfully and deliver many others by giving them the pure name of Krishna. तो जब वो प्रचार करेगा भगवान की, हरे कृष्ण प्रभु जी. हाँ जी बोलो जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. हाँ बोलो जी. सॉरी कैन यू रिपीट लास्ट बिट बिकॉज आई जस्ट माय वन इज गेट ब्रेक आउट. सॉरी. ओके ओके. माया इज फुली अवेयर, माया जानती है इफ अ स्पिरिचुअल एस्पायरेंट स्टिक्स टू द प्लेटफॉर्म और चैंटिंग 64 ऑन डेली. अगर साधक 64 माला रोज कर रहा है, such a person will become pure lover of Gaura Krishna. यानी वो बहुत शीघ्र उसको महाप्रभु के प्रति या कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि गौरांग ही राधा कृष्ण का मिलित रूप है, तो उनके प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाएगा. Very soon by dint of constant chanting, लगातार जप करने मात्र से, 64 माला रोज मिनिमम 64 करने से उसको भगवान के प्रति प्रेम हो जाएगा. After becoming a pure lover of Krishna, अगर वो जब वो भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है, that pure devotee will start preaching very powerfully. और जब वो प्रचार करेगा, नाम की महिमा कथा सुनाएगा, तब क्या हैगा? उसका इतना प्रभावशाली होगा, he will deliver many other by giving them the pure names of Krishna. वो हजारों को लाखों का उद्धार कर सकता है उनके नाम जप करा के, क्योंकि जब वो नाम जप करता है उसकी वाणी में पावर आ जाती है, उस पावर के बल पे वो भगवान की कृपा का पात्र होता है. हमारे आचार्य जो है महाप्रभु से लेके नित्यानंद से लेके नीचे तक, हमारे छठ गोस्वामी ले लो, रूप सनातन रघुनाथ दास सारे जितने भी हैं, और गोपाल भट्ट जो भी हमारे सारे छठ गोस्वामी है, उसके नीचे ले लो विश्व चक्रवर्ती ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद प्रभु और हमारे श्रीनिवास आचार्य, उनसे नीचे और आ जाओ हम गौर कुशोदा जगन्नाथ दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर जी, प्रभुपाद, सबकी कृपा मिलती है कि ये हमारा प्रिय है, क्योंकि ये कम से कम 64 माला कर रहा है. हम सबकी कृपा, उनकी कृपा दृष्टि पड़ती है, ये महाप्रभु की आज्ञा फॉलो करा है. महाप्रभु की आज्ञा भी राधा कृष्ण की आज्ञा, क्योंकि महाप्रभु कौन है, राधा कृष्ण कंबाइंड फॉर्म है, तो स्वयं राधा रानी चाहती है कि जीव करे, क्योंकि महाप्रभु राधा रानी के भाव में है. कहते हैं अगर आपको ब्रज धाम में प्रवेश करना है, मेरी सेवा चाहते हो, मेरे अंतरंग भक्त बनना चाहते हो, तो मिनिमम 64 करिए, उससे ऊपर जितना होगा अति उत्तम, लेकिन 64 से कम हमें नहीं करना चाहिए. और वो हजारों लाखों को प्रभावित करता है और उन्हें भक्त बना सकता है. लोग भी प्रचार बहुत लोग करते हैं, लेकिन सभी लोग क्यों नहीं अफेक्टिव हो रहे हैं? फिर लोग क्यों इनका उनका जाप नहीं बढ़ रहा है? कोई 6 माला पे अटके हुए कई सालों से, कोई 10 माला पे अटके हुए, कोई 16 पे अटके हुए कई सालों से, ऐसा क्यों है? वो क्यों नहीं उनकी माला बढ़ रही है? क्योंकि जो प्रचार करने वाले हैं उन खुद की भजन का बल ही नहीं उनके पीछे, वो कैसे दूसरे से करेंगे? खुद अगर 80-100 माला करेंगे तो किसी से 64 करवा सकते हैं. जो खुद ही 64 माला नहीं करेगा वो कैसे दूसरे से करवाएगा, और उसकी वाणी का असर भी नहीं होगा. ये चीज हमको समझनी है.
This is a big attack on Maya. We make salute many of our victims. ये माया के ऊपर बहुत जबरदस्त प्रहार है और उसके बहुत से जो लोग होते हैं वो सब छूट जाते हैं अपने उनके माया के जो अंडर में होते हैं उनकी माया छूट जाती है. Thus Maya desperately creates heavy obstacles on the part of the sadhak who is chanting or desires to chant and preach about the importance of chanting 64 rounds of the Hare Krishna Mahamantra daily. तो माया क्या करती है, बहुत विघ्न डालेगी, बहुत जबरदस्त विघ्न आएंगे आपको. ये नहीं सोचना है इजी है, आपको विघ्न सब तरफ से आएंगे. सन्यासियों से आ सकते हैं, ब्रह्मचारियों से आ सकते हैं, आपको मठिंचा से आ सकते हैं, आपको पंडितों से आ सकते हैं, रिश्तेदारों से आ सकते हैं, दोस्तों से आ सकते हैं, गुरु भाई गुरु बहन आपकी निंदा करेंगे, बोलेंगे तुम कोई सेवा नहीं करते हो, तुम कुछ नहीं करते हो, तुम माला ही करते रहते हो, क्या फायदा मुझे बताओ. नारद जी ने वाल्मीकियों को क्या बोला था, राम नाम जपने के लिए कहा था. वो एक शिकारी था, मृगारी की कथा भी आती है आपको देखोगे चैतन्य चैतन्यमृत में, जो शिकार करता था अर्ध अवस्था में मारता था जानवरों को, पूरी तरह से मारता नहीं था, उसे बड़ा आनंद आता था. नारद जी उनके पास है और क्या उपदेश है कि नाम का जप करिए. अच्छा, उसके बाद आप देख लो हरिदास के पास जो वेश्या आती है, वेश्या को क्या बोलते हैं, हरे कृष्णा महामंत्र का जाप कर. जगाई मधाई का एग्जाम्पल ले लो, उन्हें कहा हरे कृष्णा महामंत्र का जाप कर. गणिका की कथा पढ़ लो, ग्यारह स्कंद के अंदर भागवत के अंदर आती है, उसको ऋषियों ने कहा था तो राम नाम का जप कर. अजामिल की कथा ले लो, ऋषियों ने कहा था कि तो नारायण अपने पुत्र का नाम रख देना. तो मुझे बताओ इन सब ने नाम जप के तरे के नहीं तरे, रात दिन नाम नहीं करते थे रात दिन, तो सबसे ऊंची सेवा ही करते थे. वो वेश्या जो हरिदास ठाकुर के पास आई 192 माला करने से उसके सारे पाप खत्म हो गए और वो हरिदासी बन गई और बड़े बड़े लोग उसके दर्शन, जो संत माननीय संत थे वो उसके दर्शन करने आते थे. जगाई मधाई को लोगों ने आगे चल के ब्रह्मचारी करके संबोधित करना शुरू कर दिया. क्या वो ब्रह्मचारी थे, हजारों स्त्रियों के सतीत्व को नष्ट किया था उन्होंने, कैसे बन गए ब्रह्मचारी, केवल नाम के प्रभाव से सभी का सब उद्धार हुआ है. नाम के इतने प्रमाण हमारे शास्त्रों के अंदर भरे पड़े हैं. हरिदास ठाकुर स्वयं 300,000 हरि नाम करते थे, क्या जरूरत थी उनको इतना नाम जप करने की. फिर अगर जरूरत, अगर नाम से कुछ नहीं होता तो तुम सेवा, क्या ये सेवा नहीं करते, नाम की सेवा. नाम की सेवा ही कृष्ण की सेवा है, क्योंकि नाम प्रभु से अभिन्न है. इस शरीर से मनुष्य प्रभु की कोई सेवा नहीं कर सकता केवल नाम के अलावा, वो भी जीवा से कर सकता, दूसरे कोई तरीका नहीं उसका कोई सेवा करने का. जब हरि नाम करते करते वो सिद्ध अवस्था में आ जाएगा तब वो दूसरे सूक्ष्म शरीर से वो राधा कृष्ण की सेवा कर सकता है, वो अलग बात है. इस शरीर से हम दूसरी सेवा कर ही नहीं सकते. तो वैष्णव की सेवा का अर्थ क्या होता है, वैष्णव कौन होते हैं, जो हमको भजन में लगाएं. वैष्णव वो होते हैं जो कथा सुना के नाम में प्रवृत्त करे, जो केवल कथा सुनाए नाम में प्रवृत्त नहीं कराए तो वो समझो वो चीट करे हमको. हमारे बॉम्बे में 1971 की बात है, बहुत से पंडाल बने थे और हर साल नवंबर दिसंबर जनवरी में बॉम्बे में बहुत सी भागवत कथाएं होती है, भिन्न भिन्न स्थानों में होती हैं. हमारे एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद भी बॉम्बे में थे तो उनके शिष्यों ने आके उनसे पूछा, कहा कि भाई देखो इतनी भागवत हो रही है बॉम्बई में, इतने लोग कथा पे जा रहे हैं, पंडाल भरा होता है, 40-40, 50-50 हजार लोग होते हैं, इतनी बढ़िया है, तो आप क्या बोलते हो, इसके आपके क्या ओपिनियन है. तो एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने बोला मुझे बता, तुम कथा अटेंड करो, अटेंड करने का मुझे बताना क्या वो जीव को नाम जप के लिए कह रहे हैं. उन्हें अटेंड की, आके कहा कोई भी नहीं कह रहा नाम जप करने के लिए, तो कहता सब बोगस है, दे आर ऑल चीटिंग. अगर वो नाम जप के लिए प्रेरित ही नहीं कर रहे हैं तो वो केवल चीट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं. कथा सुनने का फल ही है कि नाम में रुचि होना, नाम में प्रवृत्त होना. ये एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के वर्ड्स है. तो लोग आते कथा करते हैं, ऊंची ऊंची बातें करते हैं, लेकिन नाम में जीवा को लगाते नहीं. कोई पूछा दो चार माला कर लो, जितना हो सकता कर लो, इस प्रकार चीट करे हैं और उस आपकी झूठी प्रशंसा करे हैं.
और कहते कि आप भक्त हो क्योंकि आप मुझे प्रणामी दे रहे हो, आप मेरी आवश्यकता को पूरी करो, इस प्रकार हमें चीट किया जा रहा है। और सभी के सभी विघ्न डालेंगे, ब्रह्मचारी ग्रस्त आपके गुरु भाई गुरु बहन सब खड़े हो जाएंगे, कोई आपकी बात को स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि ये माया का खेल है। माया चाहती नहीं कि आप 64 माला करो, लेकिन हमको मानसिक तौर से इसे स्वीकार करना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा कि नहीं मुझे यही करना है, जो मर्जी विघ्न आए सब लोग मेरा त्याग कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ब्रह्मचारी हो चाहे वह सन्यासी हो चाहे मठ इंचार्ज हो, सभी त्याग कर दे, लेकिन मैं भगवान का त्याग नहीं करूंगा, मैंने अपने भजन का त्याग नहीं करना है। वैष्णव तो वो होता है जो कभी अपनों को वैष्णव मानता नहीं है, वो सबकी सेवा करता है, वो सेवा लेता नहीं है, और हम आज सबसे सेवा ले रहे हैं अपने आप को वैष्णव कहला के, हमसे बड़ा चीटर कोई और हो ही नहीं सकता है। हमारी सेवा करो, ये काम करो, वो काम करो, तो ये बहुत से विघ्न आते हैं। Thus, my despair is heavy obstacles on the path of the sadhak who is chanting or desires to chant and preach about the importance of chanting 64 rounds of the Hare Krishna Mahamantra to be steadily successful in the Lakshnam Yajna. Lakshnam Yajna kya hota hai? Naam kiya jana chahiye Prabhu ki prasanta ke liye. Kyun? Nityanand Prabhu ki agya, Mahaprabhu ki agya, Nityanand bolte hain, aap Hare Krishna Mahamantra ka jap mujhe khareed lo. एक बार अपने मुख से बोलो कृष्णा बोलो हरे कृष्णा, मैं तुम बिक जाऊंगा, तुम्हारे सारे काम करूंगा, तुम हरे कृष्णा बोलो। महाप्रभु बोलते हैं तुम इसको करिए, 1,00,000 हरिनाम करिए, महाप्रभु स्वयं कह अपने मुख से। तो हम लोग 64 पे रुकते नहीं है, क्यों नहीं रुकते हैं? हम लोग कोशिश करते हैं हम 120 का 192 करें, उससे भी अधिक हो सकता करें, क्योंकि जब महाप्रभु प्रसन्न होते हैं हमारा उद्देश्य महाप्रभु को प्रसन्न करना है, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट रखना, नित्यानंद प्रभु को प्रसन्न रखना है, हम अपने गुरुवर को प्रसन्न रखना है, क्योंकि गुरुवर जो रियल हमारे गुरुवर हैं वो अपने शिष्यों को भजनानंदी देखना चाहते हैं। जीव जब भजनानंदी बन जाता है, निरंतर भजन में लगा रहता है, तो कहते एक बंदे को एक शिष्य को मैं भव सागर से तारने के लिए मैं सफल हो गया, मेरा गुरु बनना सार्थक हो गया, ये धरातल पे आना सार्थक हो गया, एक भी एक बंदे को मैं तारने में सफल हो गया। तो वो उनकी ये भाव होते हैं, तो इसलिए लोग निरंतर नाम जप करते रुकते, क्योंकि मेरा उद्देश्य महाप्रभु की प्रसन्नता, मैं कैसे चाहूंगा उनका मुख उदास हो। अगर मैं नाम जप नहीं करूंगा तो मैं कोई ना कोई संसारिक चर्चा करूंगा, या रिश्तेदारों को डिस्कस करूंगा, दोस्तों को डिस्कस करूंगा, या पॉलिटिक्स डिस्कस करूंगा, या फिल्म स्टार्स को, या शेयर मार्केट को डिस्कस करूंगा, तो मेरा समय व्यर्थ जाएगा। इसलिए मैं निरंतर जाप करता ही रहूं, या किसी की निंदा करूंगा या प्रशंसा करूंगा। इन सब अपराधों से बचने का एक ही तरीका है, निरंतर नाम जप करना महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए, दैट इज यज्ञ। अगर हम नाम का प्रयोग करते हैं, मेरा ये काम सिद्ध हो जाए, मेरी शादी हो जाए, मेरे को पुत्र हो जाए, मेरे को गाड़ी मिल जाए, मेरे को प्रमोशन हो जाए, मेरे का ये हो जाए वो हो जाए, दो दिन पर का स्वास्थ्य ठीक हो जाए, तो वो कर्म कहलाता है, वो यज्ञ नहीं है। यज्ञ का मतलब भगवान की प्रसन्नता। हमको कर्म ठीक है, शुरू में मनुष्य के अंदर कामनाएं होती हैं स्वार्थ पूर्ति के लिए, वो करता है मैं मानता हूं, लेकिन दीर्घ काल तक सत्संग करोगे, हरि कथा शुद्ध भक्तों से सुनोगे, नाम जप करते जाओगे, इस मंत्र में इतनी पावर है, आपको सकाम से निष्कामता की अवस्था में ले आएगा। ये सोचते करना कि मुझे महाप्रभु को प्रसन्न करना है, ऑफकोर्स आपको समझाने वाला भी कोई चाहिए कि क्यों करना महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए, तब जाके आप भक्ति करो। ये तो हम कर्म कर रहे हैं, जब हम आपके स्वार्थ पूर्ति के लिए करते हैं वो कर्म है, जब भगवान की प्रसन्नता के लिए की जाती है उसको यज्ञ कहते हैं, वही हमको नाम यज्ञ करना है। One has to be very careful to detect these tricks of Maya and completely ignore them. माया के ये बहुत से ट्रिक्स हैं, हमको इनसे बचना है, इन्हें हमें सावधान होना है। देखो ऐशीला जगन्नाथ बाबू जी से, जगन्नाथ दास बाबू जी क्या बोलते हैं, One should not sleep till one finishes chanting 1,00,000 or 2,00,000 name daily. वैसे तो उन्हें 2,00,000 बोला है क्लियरली करने को, हम आगे पढ़ेंगे। कहते कम से कम एक तो कर लो यार, उससे तो कम बोलना भी नहीं मेरे को कि मेरे से नहीं हो रहा। हमारे जो भक्ति वेदांत नारायण महाराज हैं,
वो अपने शिष्यों को बोलते थे एक लाख करने के लिए, उनके शिष्य बोलते थे हमसे नहीं होता, उनका समझाते नहीं मानते, कहते 32 करो, कहते 32 भी नहीं होता, कहते जाओ समुद्र में डूब मरो, मेरे को शक्ल नहीं दिखाना। ये स्पष्ट बोलते हैं अपने नारे माजे का है, स्पष्ट रूप से जाओ गो एंड ड्रॉन इन द ओशन इफ यू कैनॉट डू इवन 32, डोंट शो मी योर फेस अगेन, इतने स्पष्ट शब्दों में इन्होंने बोला है। And would constantly and one should constantly seek association and hear about the importance of chanting from the Lakshyeshwar so that one always stays focused on the real goal. जो लोग 64 के ऊपर माला करते हैं, हमको उन्हीं लोगों का संग करना है, उनके संग से हम कभी विचलित होंगे, हम अपने गोल को अचीव करेंगे ही करेंगे। मैं आपको भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर प्रभुपाद जी के वर्ड्स बताता हूँ। महाप्रभु has started, he closed the doors of Srivas Angan with his party and follows this practice, Harinam Sankirtan. ये हमारे प्रभुपाद जी के लेक्चर में से मैं बोल रहा हूँ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के लेक्चर में से मैं बोल रहा हूँ। If Gurudev gives you mantra and diksha, but you do not cultivate relation with the mantra and the mantra devta, you will try to chant it for a few minutes but feel disinterested. अगर आप संबंध ही बनाती हो, आप समझते हो इसका महत्व क्या है, कथा सुननी चाहिए, नाम की महिमा सुननी चाहिए और नाम की सेवा करनी चाहिए, तब आपका संबंध डेवलप होता है उस हरि नाम से, मंत्र मंत्र देवता से। जैसे आप हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करते हो तो उसके जो जो देवता कौन है, कृष्ण स्वयं है, तो यानी आपका उनसे संबंध स्थापित होता है। ये तो क्या होगा, आप थोड़ी देर जाप करोगे फिर आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। डे एंड नाइट यू विल चैंट अदर मंत्रज एंड अदर नेम्स, आप दिन रात दूसरी मंत्र का जाप करोगे, संसार की चर्चा करोगे और सब कुछ करोगे। यू विल एक्सेप्ट मेनी पीपल एज गुरुज एंड एज दे एडवाइज यू, फॉलो मी, आप बहुत से भिन्न भिन्न गुरु बना लोगे, सब मुझे फॉलो कर, मुझे फॉलो कर। दे डोंट टेल यू टू चैंट गुरु मंत्र, वो ये आपको बोलते नहीं, गुरु जी ने आपको हरे कृष्णा मंत्र दिया, जाप करने के लिए माला दिया, तो इसको जाप कर, ये कोई नहीं बोलता। दे डोंट टेल फ्रेंकली एंड डोंट गिव एन अपॉर्चुनिटी टू चैंट, ये आपको स्पष्ट रूप से कहते भी नहीं है, न मौका देते आपको जाप करने का, आपको मौका भी देंगे। दे टेल फॉलो मी, दिस इज योर सर्विस, मेरे अनुसार चलो, मेरे को फॉलो करो, ये आपकी सेवा है। दिस इज योर सर्विस, दिस इज योर मंत्र, वर्क फॉर मी 8 or 10 hours, ये काम करो, ये काम करो, मैं तुमको बहुत सी सेवा दे हूं, आपको 8-10 घंटे काम में लगा देंगे। डोंट वेस्ट योर टाइम चैंटिंग द मंत्र गिवन बाय गुरुदेव, आप गुरु मंत्र के जाप करने की ज्योति, हरे कृष्णा का जाप करने की ज्योति, कोई गुरुदेव तो हमारे गौड़ियों में तो हरे कृष्णा ही तो देते हैं मंत्र को, उसको जाप करने की ज्योति, आपको सारे काम, बहुत से काम दे दिए जाएंगे, ये बोलने के लिए सारे इंपॉर्टेंट है, आप हमारी सेवा कर रहे हो, वैष्णव सेवा कर रहे हो, लेकिन आप हरि नाम मत करो, 8-10 घंटे आपको व्यस्त कर देंगे। गोस्वामी एंड सनातन गोस्वामी वर वर्किंग इन द गवर्नमेंट पोस्ट इन राम के लिए, जब रूप और सनातन गोस्वामी वो नौकरी करते थे एक यवन के पास और राम के लिए में, दे डिड नॉट स्पेंड सो मच टाइम वर्किंग रादर दे चैंटिंग मंत्र, वो ज्यादा काम नहीं करते थे, उल्टा मंत्र का जाप ही करते थे। दे न्यू दैट बाय चैंटिंग मंत्र दे कुड हैव दर्शन ऑफ द मंत्र देवता एंड बी एक्सेप्टेड बाय देम, अगर मैं मंत्र का जाप करूंगा तो मंत्र देवता हमें एक्सेप्ट करेंगे, तो कृष्ण का जाप करूंगा, राधा कृष्ण का, हरे कृष्ण का, तो राधा कृष्ण मुझे एक्सेप्ट करेंगे या महाप्रभु मुझे एक्सेप्ट करेंगे, तो एंड दे वुड हैव अ दर्शन ऑफ द मंत्र, क्योंकि नाम जपते जपते नाम प्रकाशित हो जाता है, जब प्रकाशित होता है तो साक्षात्कार भगवान का दर्शन कराता है, क्योंकि नाम नामी से अभिन्न है, नॉन डिफरेंट है। नाम जप करना मीन्स राधा कृष्ण की सेवा करना, नाम प्रकाशित होना मीन्स राधा कृष्ण को प्रकाशित होना। महाप्रभु केम हिमसेल्फ टू राम केली, महाप्रभु स्वयं राम केली में आए, he took sannyas and was in Jagannathpuri, उन्होंने सन्यास लिया, वो जगन्नाथपुरी में थे। he had the desire to go to वृंदावन, उनकी इच्छा थी वृंदावन जाने की, but रूप एंड सनातन वर चैंटिंग सो स्ट्रॉन्गली इन राम केली,
that Mahaprabhu had to come and give them his darshan. क्योंकि उनका मंत्र जाप इतना ज्यादा था हरे कृष्ण का जाप कि महाप्रभु को मजबूरन आना पड़ा उनको दर्शन करने के लिए. नाम नामी को खींचता है. जैसे आपके पास कोई सोया है, समझो मैं लेटा हूं या आप लेटो, मैं आपके पास आया हूं, आपके बिस्तर पर बैठा हूं, आपको पता नहीं चलेगा. अगर मैं दूर से नीचे से रोड से आवाज देता हूं, आपके नाम को पुकारता हूं, तो आपकी निद्रा टूटेगी और आपको बार बार नाम लेने से आप बालकनी में आके जरूर दर्शन करोगे, घर से बाहर आओगे कि मुझे कौन बुला रहा है और क्यों बुला रहा है. यदि नाम नामी को खींच के ले आता है. इसी प्रकार हरिनाम के प्रभाव से महाप्रभु वृंदावन जा रहे थे, वो उनके दर्शन करने के लिए आ गए. When they met महाप्रभु, he instructed them saying, जब वो मिले तो उन्हें क्या कहा? Enough of this government service. Go to Vrindavan where Govind and Gopinath are waiting for you. तो बहुत हो गया काम संसार का, अब जाओ वृंदावन, जाओ भजन करो, गोविंद और गोपीनाथ बैठे हैं, मंत्र जाप करिए, इस मंत्र से आपको जब सिद्धियां हो जाएंगे तब मैं आपसे बड़े बड़े काम कराऊंगा, ग्रंथ लिखवाने हैं, भक्ति का प्रचार करना है. कैसे करोगे? जब आप बद्ध अवस्था में होगे, आप अशुद्ध होगे, तब तो आप मेरे काम नहीं कर सकते हो. तो मंत्र के द्वारा आप पहले शुद्ध हो जाइए, शुद्धि शुद्ध इंसान के द्वारा ही मैं बड़े बड़े कार्य करा सकता हूँ. द होली धाम इज वेटिंग फॉर यू. धाम आपकी प्रतीक्षा कर रहा है. इट इज नेसेसरी टू हैव अ रिलेशन विद मंत्र देवता. हमें मंत्र देवता से संबंध रखना है. जब मंत्र का जाप करोगे तो मंत्र देवता से संबंध बनेगा ही बनेगा. कृष्ण का जाप करो तो कृष्ण से हमारा संबंध बनना ही बनना है. इफ ही डजंट कम एंड मीट विद अस देन एवरीथिंग वी हैव और डू इज यूजलेस. अगर वो हम नहीं आते हैं तो जो हम करें सब बेकार है. प्रभुपाद नाउ स्टार्टेड दिस व्रत टू चैंट 100 कोज हरिनाम. तो भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर जी क्या किया? 100 करोड़ हरिनाम, यानी 1,64,000 की माला कर पकड़ो तो 9 साल में उन्हें 192 माला की, उसे 100 करोड़ बोलते हैं. अगर हम 6912 के हिसाब से चलते हैं तो 9 साल में उनके 10 करोड़ जाप होते हैं. 10 करोड़ जाप होते हैं 64 राउंड के हिसाब से हम पकड़ते 6912, तो 9.25 साल में हमारे 10 करोड़ हो जाते हैं. अगर 64 को हम 1,00,000 पकड़ के चलते हैं तो उसे 100 करोड़ जाप कहते हैं. तो इन्होंने 192 माला 9 साल की और महाप्रभु के दर्शन किए. तभी उन्होंने कहा था कि मुझे उन्हें तो सब दिव्य मायापुर के दर्शन हो रहे थे, तो महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं सब जगह पे और सभी लोग आनंदित हैं. तो महाप्रभु ने कहा कि लोग संसार बहुत दुखी है, तुम प्रचार करिए हरि नाम का. उन्हें कहा कि देखो सभी आनंद है, अगर श्रीवास के आंगन में कीर्तन चल रहा है, आप भी नृत्य करो, नितिन भी, सभी तो यहाँ पे है, अद्वैत आचार्य प्रभु भी है. कहते हैं महाप्रभु ने कहा ये तुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है हरिनाम के द्वारा, मैं उस दृष्टि को हटाता हूँ, तुझे दिखाता हूँ कि कितना संसार में दुख है. तो महाप्रभु ने उनके सामने से दृष्टि को हटा लिया और उन्हें दुख ही दुख दिखाई दिया कि लोग कितनी दयनीय अवस्था में है, कितने ज्यादा परेशान है, दुखी है, मिजरेबल है, बुरी तरह से हालत खराब है. वो उन्हें दिखाई दिया और अब जब उन्हें दिखाई दिया तो उन्हें कहा कि आप मुझे कहते हो प्रचार करो तो मुझे धन भी चाहिए, मैं कहाँ से करूंगा, मुझे बंदे भी चाहिए तो कहाँ से आएंगे. तो महाप्रभु ने कहा वो मैं भेजूंगा. तो एक तो महाप्रभु कहते न धनम न जन्म न सुंदरी, और हमें धन भी चाहिए जन्म भी चाहिए, स्वयं प्रभुपाद भी कह रहे. इसका मतलब क्या है? क्या वो महाप्रभु के विरुद्ध जा रहे? नहीं, उनको धन और रिश्ते बंदे चाहिए कि भगवान की सेवा में लगाने के लिए, नियुक्त करने के लिए, भगवान के प्रचार के लिए चाहिए. हमको धन और क्यों चाहिए होता है? ये धन हमें अपने सुख के लिए चाहिए होता है, उसका दुरुपयोग करने करते हम लोग, भगवान की सेवा के लिए हम लगाते नहीं है. धन और जन जो भी मिले वो सब भगवान की सेवा के लिए नियुक्त करना चाहिए, नहीं तो वो आपके विपत्ति का कारण बन जाएगा. और महाप्रभु ने जितने भी प्रभुपाद जी के नीचे शिष्य हुए हैं सभी के सब वो भगवान के धाम से आया पार्षद है, सबका इक्वल और महान कंट्रीब्यूशन रहा है. हम लोग भले ज्यादा न जाने उनके बारे में, लेकिन एक किताब है भक्ति विज्ञान भारती महाराज जी की लिखी माय बिलवड मास्टर्स, उनमें आप पढ़ोगे, उनके जब चरित्र को पढ़ोगे आप हैरान हो जाओगे
कि हर एक अलग ये अलग यूनिक कंट्रीब्यूशन रही है अलग के कंट्रीब्यूशन दे अपने अपने तरीके से तो नाउ वी टेक दीक्षा फ्रॉम वन गुरु एंड फॉलो समवन एल्स नाउ शिक्षा गुरु टेल हाउ लॉन्ग विल यू चैंट एंड रीड आप क्या बोलते हैं तुम कितनी देर जाप करोगे कितने पढ़ाई करोगे बस करो अभी हाउ लॉन्ग विल यू डू परिक्रमा कितनी बार परिक्रमा करोगे डू दिस डू दैट डू एवरीथिंग दिस गुरु मंत्र ये कर वो कर सब कुछ कर लेकिन हरि नाम मत कर हरि कथा मत पढ़ो यही तेरा मंत्र कि सब कुछ करो ये दो छोड़ के बट वॉट प्रूपा डिजायर उनकी इच्छा क्या थी फर्स्ट आई प्रैक्टिस द मंत्र गिवन बाय गुरुदेव पहले मेरे गुरुजी ने जो मंत्र दिया मैं उसको फॉलो करूं उनके गुरुदेव कौन से गौर किशोरदास बाबा जी हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी का चित्र पढ़िए उन्होंने भी 192 माला कई साल किए हैं और उसी के बल से इनको भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर प्रूपा जी की प्राप्ति हुई है ये ऐसे नहीं आते हैं ऐसे नहीं महापुरुष मिलते हैं मंत्र के बल से मिलते साधन करना पड़ता है हमको साधन के बल से मिलेंगे तो कहते हैं कि पहले मैं हरिदास ठाकुर को फॉलो करूंगा तब मैं आप जो बोलोगे मैं करूंगा बट फर्स्ट हरिनाम एंड आफ्टर दैट एनी अदर नाम फिर को जाप बोलोगे मैं दूसरा नाम करूंगा पहले मैं अपना जो गुरु जी नाम दिया महामंत्र का जाप करूं मैं हरिदास को फॉलो करूं 192 माला करूंगा उपदेशामृत का 8वां श्लोक क्या कहता है व्हाइल लिविंग इन व्रज एज अ फॉलोअर ऑफ द एटर्नल रेजिडेंस ऑफ व्रज जब आप व्रज में रह रहे हो अपने को ब्रिजवासी मानते हुए हु पोजेस इनहेरेंट स्पॉन्टेड लव फॉर कृष्ण ब्रिजवासी कौन होते हैं जिनका भगवान के प्रति स्वाभाविक प्रेम होता है प्रेम नहीं हुआ तो आप ब्रिजवासी नहीं बने जिसका कृष्ण के प्रति राधा कृष्ण पर स्वाभाविक प्रेम है उनकी सेवा करने की इच्छा होती वही रियल ब्रिजवासी होता है भक्ति विनोद ठाकुर ब्रिजवासी थे भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर प्रूपाज भले इन्होंने श्री कलकत्ता में छोड़ा मायापुर वो एक्चुअल ब्रिजवासी थे भक्ति एसी भक्ति विधान स्वामी वो ब्रिजवासी थे भले पूरे विश्व में गए वो लेकिन वो ब्रिजवासी थे जिनका भगवान के प्रति स्वाभाविक प्रेम होता है दया होती है उसको बांटते हैं वो वास्तव में ब्रिजवासी होते हैं जो सबको प्रेम प्रदान करते हैं वो पोजेस इनहेरेंट स्पॉन्ड लव फॉर कृष्ण वन शुड यूटिलाइज ऑल हिज टाइम बाय सीक्वेंशली एंगेजिंग द टंग एंड माइंड इन मेटिकुलस चैंटिंग आई रिमेंबर कृष्णा नेम फॉर्म क्वालिटीज एंड पास्ट टाइम दिस इज द एसेंस ऑफ ऑल हिज इंस्ट्रक्शंस यानी हमने अपनी वाणी को क्या करना है भगवान के द टंग एंड माइंड मन को और वाणी को नाम रूप लीला इनमें व्यस्त करना है जीवा से नाम जप करना है मन से जो हम कथाएं सुनते हैं या कथाएं पढ़ते हैं उनका चिंतन करना है और दिस इज द एसेंस ऑफ ऑल ये सब का सार ही है ये उपदेश अमृत भक्ति विनोद ठाकुर जी का लिखा हुआ ग्रंथ है उसकी ये इंस्ट्रक्शन 8वां इंस्ट्रक्शन नहीं है सार क्या है नाम चिंतन नाम जप करना द मीनिंग इज क्लियर इफ आई डोंट कंटिन्यू टू चैंट हरिनाम एंड मंत्र अगर मैं हरिनाम नहीं जप करता हूं देन आई एम निग्लेक्टिंग मंत्र एंड द मंत्र देवता मैं मंत्र और मंत्र देवता को निग्लेक्ट कर रहा हूं उनको उपेक्षा कर रहा हूं जैसे आप मेरे घर में आए मैं बाहर चला जाता हूं या आपके पास मैं बैठता समय नहीं निकालता हूं तो आप बोलोगे तो मुझे निग्लेक्ट करा क्या बात है कोई नाराजगी है तो मेरी इंसल्ट करा तो मेरे लिए समय नहीं व्यतीत करता तो आप तो यही मानोगे तो जब हम हरि नाम नहीं करते हैं हम मंत्र और मंत्र देवता कृष्ण राधा कृष्ण की उपेक्षा करें महाप्रभु को निग्लेक्ट कर रहे हैं मंत्र को निग्लेक्ट कर रहे हैं ये अपराध कर रहे हैं गुरु सिर पीटेगा मैंने इसको क्यों मंत्र दिया था मैंने सोचा ये नाम की सेवा करेगा ये तो नाम को निकले इसको तो कृष्ण की जरूरत ही नहीं है तभी तो ये उसकी सेवा नहीं करा नाम की सेवा नहीं करा उसको निग्लेक्ट कर रहा है कितनी बड़ी इंसल्ट कर रहा है ये कृष्ण की इंसल्ट कर रहा है मेरी इंसल्ट है दिस इज गुरु इंसल्ट ये नहीं कि आपको मुख से कुछ बोलना है हरि नाम नहीं करना ही सबसे बड़ा गुरु अपराध है गुरु अवज्ञा है कि आप गुरु की आज्ञा नहीं मान रहे हो हरि नाम करने के लिए आप निग्लेक्ट कर रहे हो कृष्ण को जिसकी सेवा आपको रात दिन करनी है एंड आई एम निग्लेक्टिंग मंत्र एंड द मंत्र देवता आई चैंट अदर नेम्स आई हैव डिजायर फॉर अदर सर्विस मैं दुनिया भर की बातें करता हूँ और मेरे अंदर बहुत सी संसारी इच्छाएं हैं माई ब्रेन वर्क्स डे एंड नाइट थिंकिंग ऑफ अदर थिंग्स मेरा दिमाग रात दिन काम करता है बहुत सी चीजें सोचता है
बट आई नो टाइम फॉर चैंटिंग, मेरे को टाइम नहीं है, क्या करे प्रभु जी, व्यस्त रहते हैं व्यस्त रहते हैं, समय नहीं मिलता है हमको, इतनी सेवा मिली है, इतनी सेवा, कौन सी सेवा मिली है, नाम जप की सेवा नहीं करो, नाम को निग्लेक्ट कर रहे हो, उपेक्षा करो, इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है तुम कर रहे हो, कोई सेवा नाम से बड़ी नहीं है, सारी सेवा छोड़ दो, नाम अंतकरण कैसे शुद्ध होएगा, आप जो सेवा करो वो पुण्य के अंतर्गत आता है, वो भक्ति के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि आप नाम की उपेक्षा करो, जब नाम के साथ करोगे आपकी संख्या पूरी करके मिनिमम 64 माला करके तब हर चीज भक्ति कहलाएगी, अन्यथा भक्ति नहीं है, वो एक श्रेष्ठ कर्म है, अष्कर्म का फल संसारिक वस्तु या संसारिक सुख हो सकता है, भगवत प्राप्ति कभी भी नहीं हो सकती। My brain works day and night thinking of other things, but I have no time for chat. मेरा दिमाग सब जगह चलता है, ये कैसे करूं, वो कैसे करूं। हमने इंस्टीट्यूशन ज्वाइन किया था कृष्णा कॉन्शियस बनने के लिए, लेकिन हम कृष्णा कॉन्शियस को भूल गया और इंस्टीट्यूशन कॉन्शियस और सोसाइटी कॉन्शियस बन गया, ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य हो गया। अदर्स डोंट गिव मी द चांस, मुझे मौका ही नहीं देते हैं भजन करने को, मैं कथा में बैठता हूँ, नहीं जी उठो ये सेवा करो, नाम जप करो, छोड़ो माला, वो काम करो, वो काम करो, सारी चीजें हमको देती है करने के लिए। Then are these others my friend or enemies? क्या ये मित्र है कि मेरे शत्रु हैं? ये आपकी झूठी प्रशंसा कर रहे हैं, बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन ये आपके मित्र के शत्रु हैं। कहते हैं प्रोपासेस, दे आर रास्कल्स, इफ दे कॉज मी टू फॉरगेट हरि नाम देन दे आर माय एनिमीज, ये दुष्ट लोग हैं, अगर ये मुझसे हरि नाम नहीं करने दे रहे, मुझे बुला रहे हैं और ये मेरे शत्रु हैं, ऊपर से दिख रहा है ये मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, मेरे को जय जयकार कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि उनका अपना स्वार्थ जुड़ा हुआ आपके साथ, क्योंकि आप, क्योंकि अगर तो प्रेम में डूब गया, नाम में डूब गया, तो मेरी सेवा कौन करेगा, मेरे स्वार्थ की पूर्ति कैसे करेगा, इससे तो नाम की सेवा मत कर, तू दो चार माला कर, मैं तेरे धार्मिक कहलाता हूँ तो कह दूंगा तू बहुत बड़ा भक्त है, तू मुझे प्रशंसा पैसे दे दे, मैं तेरी खूब प्रशंसा करूंगा, और क्या कह दूंगा कितना बड़ा भक्त है, और हमारा अहंकार बढ़ जाता है, मेरी तो अनाउंसमेंट हो गई है पूरे हजारों के सामने, पूरे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, सब जगह सर्कुलेट हो गया, किसके जैसा कोई भक्ति नहीं है, और मैं अहंकार में फूलता जा रहा हूँ, ये सब मेरे शत्रु हैं जो मुझे भजन में नहीं लगा रहे, भगवान की कथा सुनने नहीं देते हैं, और जब समय आता है उठा देते हैं, कोई ना कोई सेवा में लगा देते हैं, एंड आई मस्ट नॉट कीप एनी रिलेशन विद देम, मुझे उनके साथ कोई संबंध नहीं रखना है, दे आर असत संग, ये असत संग है, सत्संग नहीं है, ये दुष्टों का संग है, दे टेक मी अवे फ्रॉम हरिनाम एंड मंत्र, मुझे हरिनाम और मंत्र से दूर ले जाते हैं, देयरफॉर प्रभु पास्ट स्टॉप टॉकिंग और मीटिंग विद एनीवन एंड सैट इन अ स्मॉल स्टार हट ऑन द बैंक ऑफ द गंगा। इससे प्रूपा जी, प्रूपा में भक्ति सिद्धांत सर्व ठाकुर प्रूपा जी, मतलब ये उन्होंने सबसे बात करना बंद कर दिया और उन्होंने एक गंगा के किनारे जाके बैठ गए, छोटे से कुटिया में, ही बेट इन द गंगा इन द अर्ली मॉर्निंग, गंगा जी में स्नान करते, वेयरिंग द सेम वन क्लॉथ ऑल द वाइल, एक ही वस्त्र पहनते थे रोज, ही सेंट कंटिन्यूसली चैंटेड, निरंतर जाप करते थे, गॉड नाम रूप गुण एंड लीला विल बी माय प्रॉपर्टी, भगवान का नाम रूप गुण लीला ये मेरी संपत्ति है, हमारी संपत्ति क्या, नाम रूप गुण लीला भगवान के, अदर पर्सन नाम रूप गुण लीला विल नॉट बी माय प्रॉपर्टी, दूसरे के नाम रूप गुण लीला, वो फिल्म एक्टर का या फिल्म एक्ट्रेसेस का या पॉलिटिशियंस का, किसी के नाम रूप गुण वो मेरी संपत्ति नहीं है, दुष्टों का अभक्तों का नाम रूप गुण लीला मेरी संपत्ति नहीं है, मेरी संपत्ति है कृष्ण के नाम रूप गुण लीला, हरि के नाम रूप गुण लीला मेरी प्रॉपर्टी है, लोगों की नाम रूप गुण लीला मेरी प्रॉपर्टी, उसकी चर्चा मेरे आगे मत करो, मुझे उनको नहीं ग्रहण करना है, अदर्स ऑर्डर्स आर नॉट माय वेल्थ, दूसरे का जो इंस्ट्रक्शन है ऑर्डर देते वो मेरा धन नहीं है, एंड अदर एडवाइस इज नॉट माय फूड, उनकी जो एडवाइस है वो मेरा भोजन नहीं है, अवॉइड दिस थिंग इन दिस वे एंड देन यू कैन स्टार्ट सू कीर्तन, ये छोड़ दो सब लोगों को और भजन करिए, हरिनाम करिए, फर्स्ट अंगेज योर टंग एंड माइंड, पहले अपने जीवा को अंगेज करिए और मन को, फर्स्ट अंगेज योर टंग एंड माइंड, इफ यू डोंट चैंट हरिनाम विद योर टंग, अगर आप जीवा से हरिनाम नहीं करोगे
but only chant other name. To duniya bhar ki baatein kya karoge? As only billi, donkey, monkey. Yehi sab aap bologe. Hari naam nahi karoge. Then you will forget Krishna name. Tab Krishna ke naam ko bhul jaoge. First correct your tongue and then your mind. Pehle jiba ko correct kariye. Naam mein lagaiye. Katha sunte jaiye. Apne aap man bhi lag jayega. Man dheere dheere lag jayega. Nirantar karne se. Hare Krishna Prabhu ji. Haan bolo ji. प्रभु जी जब जीवा से आप बोल रहे हो तो मन को आपने जैसे बोला था कि कथा का भावनाओं रख के सोच के हमें जप करना चाहिए। हाँ जी। तो मतलब मन में उस समय कथा का विचार करना चाहिए जो हमने कथा सुनी है जप करते समय जीवा से। यस, कथा जो सुनिया जाए जो पढ़ते हो उसका चिंतन करो। इसलिए ग्रंथ क्यों देते हम लोग, क्यों बोलते हैं ग्रंथ का सेवन करो ताकि वो लीला ध्यान में आए, उसका चिंतन बना रहे। ओके प्रभु जी, धन्यवाद। ओके, कहते हैं don't stay in any other place. Your conviction must be, I will continuously be in Braj Mandal and nowhere else. Hamara bhav hona chahiye, main keval Braj Mandal mein rahunga, Braj se ek kadam bahar nahi jaunga. Raya Ramanand ji ka samvad pad lijiye Mahaprabhu se, unhe kaha kaun si jagah rehne layak hai, kehte Vrindavan se pe bhi rehna, uske chhod ke ek kadam bhi jeev ko bahar nahi jana chahiye. Kiski upasna kare, Radha Krishna ki upasna karna chahiye. कौन सा नाम जप करना चाहिए, हरि नाम करना चाहिए। राय रामराज संवाद में पढ़ लीजिए, बहुत स्पष्ट ये बात महाप्रभु रामानंद राय से बुलवा रहे हैं। भाई प्रभुपाद जी भी कहते हैं वृंदावन छोड़ के तो जाने के ज्योत नहीं है। आई विल हैव नो मोर डिजायर फॉर रिक्रिएशन एंजॉयमेंट ऑफ बीइंग, मुझे ना संसार का सुख भोगना है, नो एंजॉयमेंट, नो रिक्रिएशन, मेरा कोई बिजनेस नहीं है। आई हैव स्टैंडर्ड बिलियंस ऑफ इंडस्ट्री, करोड़ों जन्म मैंने बर्बाद कर लिया दुष्टों की सेवा कर करके, विषय भोगियों की सेवा कर करके। दिस लाइफ आई एम अ गौड़िया, इस साल मैं इस जन्म में गौड़िया बन महाप्रभु का बन गया हूँ। आई एम अ फॉलोअर श्रीमती राधा स्वरूप शक्ति, मैं राधा रानी का सेवक हूँ। इफ इट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ हर सर्विस आई विल नॉट टॉक और मीट विद एनीवन। अगर ये अगर राधा रानी की सेवा नहीं होती है, महाप्रभु तो राधा रानी के भाव में है, अगर मुझे हरिनाम हरि कथा नहीं कर पा रहा हूँ तो मुझे इससे से कोई मतलब नहीं, मैं किसी को मिलना नहीं चाहता हूँ। तो ये दिस इज कॉल्ड फर्म फेथ। व्हेन यू हैव निष्ठा देन द वर्ल्ड पावर लव विल कम, तभी आपके जिन में प्रेम उत्पन्न होएगा, क्योंकि नाम प्रेम उत्पन्न करता है। महाप्रभु प्रेम गोलोक धाम से लेकर आए, संसार में प्रेम नहीं है, संसार में राग द्वेष है। मेरे मन के अनुसार चल रहे हो तो अच्छे लग रहे हो, नहीं चल रहा तो बुरे लग रहे हो। तो ये कहते हैं राग द्वेष, प्रेम में समर्पण है, प्रेम में त्याग है, प्रेम में अपनी खुशी नहीं देखी जाती, सामने वाले खुशी देखी जाती है। ये तभी संभव है जब हम हरि नाम करेंगे तो हृदय पिघलेगा, और हृदय जब पिघलता है तो हमारे मन में दया, क्षमा, उदारता और शीलता और सारे सद्गुण उसके अंदर आ जाते हैं। ये अलग से लाने की जरूरत नहीं पड़ती है, तब अभिमान भी खत्म हो जाता है, अकड़ भी खत्म हो जाती है, मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों मानूं, सब खत्म हो जाता है प्रेम में। प्रेम सब साफ कर देता है, और ये प्रेम गोलोक से आता है, या तो भगवान के पास प्रेम है या उनके सच्चे भक्त, रियल सच्चे भक्त होते उनके पास प्रेम होता है, आम इंसान के पास प्रेम नहीं। इससे अरण्य कांड में लाइन आती, सुर नर मुनि सबकी रीति स्वार्थ लागे करे सब प्रीति, देवता मनुष्य मुनि सबकी रीति के स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं। कितने पैसे दोगे तो कथा होगी, कितने पैसे दोगे तो जप होगा, और देवता भी करोगे तो तुम मिलेगा, नहीं तो मैं तुमसे नाराज हो जाता हूँ, और उनकी उपासना छोड़ दोगे तो और मनुष्य स्वार्थ है तो आपसे नाता रखते, नहीं तो छोड़ देते हैं। लेकिन एक ईश्वर है या उनके सच्चे भक्त है तो निस्वार्थ भाव से सबको भगवान का प्रेम बांटते हैं, उसको नाम में लगा के प्रेम बांटते हैं। तो हमको यही करना है, देन यू कैन बी कॉल अ डिसाइपल। अगर आप राधा रानी के अनुगत में चल रहे हो तो भी तो आप डिसाइपल हो, तो भी डिसिपल इज टू फॉलो डिसिप्लिन। हमको रोज इतनी माला करनी है, कैसे भी करनी है, अदरवाइज यू आर नॉट अ डिसिपल, यू आर नथिंग, यू आर अ बोगस इमिटेशन, अ डिसिपल ऑफ माया। तो आप माया के डिसिपल बन रहे हो, भगवान के डिसिपल नहीं मर रहे हो, क्योंकि राम जी कहते उत्तर का वही मेरा सेवक है जो मेरी आज्ञा माने। तो आप भगवान की आज्ञा ही नहीं मानो तो काय के सेवक हो। गुरु ने आपको माला दी जप करने के लिए, 20 मिनट के लगा के दिए, 16 एक तरफ चार दूसरी तरफ, आप उस चारों को यूज नहीं करते तो कह के आप सेवक हो, केवल आप चीटर बोगस हो और कुछ नहीं हो। और डिसाइपल ऑफ माया रनिंग हियर एंड देयर ओनली फॉर एंजॉयमेंट लाइक डॉग्स, हम इधर उधर भागते हैं,
केवल सुख भोगने के लिए, ये श्वान वृत्ति है, ये कुत्ते की वृत्ति है, हमारे को कोई निष्ठा नहीं है, इन चीजों से हमको बचना है, हमको बहुत सावधान रहना पड़ेगा इन चीजों से। फिर क्या कहते हैं, तो कहते हैं, मैं आपको बता दूं, निर्बंध, लोग निर्बंध का भी गलत अर्थ लेते हैं। वन ग्रंथा इज फोर राउंड्स, वन निर्बंध इज 16 ग्रंथास, दैट इज 64 राउंड ऑफ द हरे कृष्णा महामंत्र। तो यानी एक मन निर्बंध का मतलब होता है 64 माला करना। फिर से एक ग्रंथ कहते हैं चार माला को, और 16 ग्रंथ यानी 64 माला मल्टीप्लाई करो 16 चार से 64, तो उसको कहते हैं एक निर्बंध। और यानी हमको इतना 64 माला रोज करनी है, लोग इसको भी गलत अर्थ में लेते हैं। All the previous Mahajans without exception have achieved success only through the process of the Hare Krishna Mantra at least one Nirband round daily. यानी सारे हमारे जो महापुरुष है उनको सफलता क्यों मिली है कि हम कम से एक निर्बंध यानी 64 माला रोज करें, तभी जाके हम सफलता प्राप्त करेंगे प्रचार करने में और दूसरे के हृदय को परिवर्तित करने में। According to Srila Bhakti Vinod Thakur, Lord Mahaprabhu is instructing everyone to chant at least one nirband 64 round. तो भक्ति विनोद ठाकुर जी क्या बोलते हैं, महाप्रभु आज्ञा के एक निर्बंध यानी 64 माला रोज करें और ये हरे कृष्णा महामंत्र एवरी डे to ensure अचीवमेंट ऑफ परफेक्शन इन द हरिनाम संकीर्तन यज्ञ इन कलयुग, ताकि कलयुग में हरिनाम संकीर्तन हमारा सफल होए। कंप्लीट परफेक्शन हैज बीन अचीव बाय द ग्रेट डिवोटी इन द पास्ट strictly following the orders of Lord Mahaprabhu of completely chanting a minimum 1 lakh name of the Hare Krishna mantra without fail. Minimum 1 lakh यानी minimum 64 माला करने से हमारे सारे आचार्यों को सफलता मिली, इसलिए वो इतने पावरफुल थे। हम लोग बोलते हैं तो ये वो कितने पावरफुल थे हमारे आचार्य, आजकल वैसे शक्तिशाली मिलते नहीं है जैसे भक्ति विनोद थे, प्रभुपाद जी थे, गौर कृष्ण आज असम को संत क्यों नहीं मिलते हैं, क्योंकि आज हम माला कर नहीं रहे, मंत्र जाप कर नहीं रहे, तो कहाँ से पावर आएगी, कहां से पावर आएगी, इसलिए वी हैव टू चैंट। तो मैंने चैतन्य भागवत से मैं से प्रसंग उठाया, साथ में मैंने भक्ति संत ठाकुर प्रभुपाद जी का जो लेक्चर उस पर से मैंने बात बताई है कि वो क्या बोलते हैं, बहुत सावधान रहिए। अब मैं प्रमाण ले रहा हूँ एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद वो क्या बोलते 64 माला के लिए। मॉर्निंग वॉक मैं आपको बता रहा हूं, एक ग्रंथ है मेरे पास उसमें से ये सब मिल जाएगा। दिस इज चैंटिंग हरे कृष्णा पब्लिश बाय बीबीटी, जो इस्कॉन में से पब्लिश हुआ है, ये ग्रंथ पब्लिश हुआ है जो इस्कॉन में, चैंटिंग हरे कृष्णा बाय एसी भक्ति वेदांत, उनके लेक्चर्स कंपाइल हुए हैं, मैं उनमें से आपको कुछ लेक्चर्स पढ़ के सुना रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे मैं अपने से बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ मैं ये बुक है मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस बुक में से मैं सबको पढ़ के बता रहा हूँ, कोई भी देख सकता है ध्यान से इस किताब को। मॉर्निंग वॉक 14th May 1975 पर एक डिवोटी पूछ रहा है, शीला प्रभुपाद हाउ कैन दी पोजिशन बी रिकंसाइल्ड इफ इन कृष्णा कॉन्शियसनेस वन ऑफ द टू द हस्बैंड और द वाइफ वांट्स टू एंजॉय सेंस ग्रेटिफिकेशन बट द अदर डज नॉट, शुड बी देयर बी अ सेपरेशन देन। डिवोटी पूछता है प्रभुपाद जी को, ऐसी भक्ति स्वामी प्रभुपाद जी को, कि पति पत्नी में से एक भजन करना चाहता और एक संसार का सुख भोगना चाहता है तो हम उसको कैसे रिकंसल्ट करें, हैंडल करें, क्या हम तलाक लें। भक्ति विधान स्वामी प्रभुपाद जी ने क्या जवाब दिया, नो दे शुड बी ट्रेन्ड अप, हमको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। सेंस एंजॉयमेंट नॉट एडवांस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, यानी हमारे अंदर अगर भोग की वृत्ति है जी, मैं पिक्चरें जा रहा हूँ, मैं होटल में जा रहा हूँ, मैं क्लबों में जा रहा हूँ, मैं पिकनिक जा रहा हूँ, हम कृष्णा कॉन्शियस में ट्रेन नहीं हुए हैं, नॉट एडवांस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। एज सून एज वन इज एडवांसिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस हिज सेंस एंजॉयमेंट स्पिरिट विल बी रिड्यूस्ड, उसके अंदर भोग की वृत्ति कम हो जाएगी और जप करने की वृत्ति बढ़ जाएगी। तो चैंट मोर टू हियर मोर, और कथा सुनो और जब ये वृत्ति बढ़ेगी, दैट इज द टेस्ट,
The test is how you are advancing in Krishna consciousness with the proportionate diminishing of sense enjoyment. जितनी आपके संसार की भोग वृत्ति कम होती है और कथा सुनने की लालसा बढ़ती है और जप करने की लालसा बढ़ रही है, इसका मतलब यह है कि आप एडवांस हो रहे हो. दैट इज द टेस्ट. जस्ट लाइक द क्योर ऑफ द डिजीज मी डिमिनिशिंग द फीवर टेम्परेचर, दैट इज द टेस्ट. आप ठीक करो, बुखार कम हो रहा है, मी क्या आप ठीक करो, वही टेस्ट है. तो भोग की वृत्ति एंजॉइंग टेंडेंसी कम हो रही है, दैट इज द टेस्ट कि आप और आपके भगवान में प्रेम उत्पन्न हो रहा है, संसार की आसक्ति घट रही है, दैट इज एक्चुअल वैराग्य. तो ये चीज हमको समझनी है. फिर डिवोटी पूछता है वही, व्हाट इफ दैट फीवर इज नॉट बीन डिमिनिश. अगर हमारे भोग की वृत्ति कम नहीं हो रही है तो हमें क्या करना चाहिए? प्रोपर देन ही शुड ट्राई टू चैंट हरे कृष्ण मंत्र इंस्टेड ऑफ 16 राउंड 64 राउंड. तो उसको 16 माला से उठ के 64 माला करनी चाहिए. ये हमारे एसी भक्त स्वामी प्रोपर बोल रहे हैं, ये पर्थ में बोल रहे, मॉर्निंग वॉक पे लेक्चर हो रहा है. दैट इज द वे. 16 राउंड इज द मिनिमम. वो तो मिनिमम है बिगनर्स के लिए. क्या हम सारी जिंदगी बिगनर्स बने रहना चाहते हैं? क्या हमको एडवांस नहीं करना है? अदर हरिदास वॉज 3 लाख, सो यू हैव टू इंक्रीज. हरिदास तो 3 लाख ही नाम करते थे, 192, तो यू हैव टू इंक्रीज. दैट इज द ओनली रेमेडी. वही एक तरीका है संसार की भोग वृत्ति को कम करने का, अपने माला को बढ़ाने का, मंत्र को बढ़ाने का. If one has got determination, he will make progress without any trouble. दृढ़ता होगी तो मैं तो भी वो उन्नति कर सकता है. अगर दृढ़ता हृदय में नहीं है तो इंसान नहीं जी, वो ना बोलते हैं, सभी ना बोल रहे हैं, वो गुरु, वो जो हमारे जो मठ के इंचार्ज है उन्होंने मना कर दिया, सन्यासी ने मना कर दिया, उसने मना किया. जो इंसान भजन करने में रोक रहा है वो सच्चा संत है ही नहीं. जो भजन करने में प्रेरणा दे रहा है वही सच्चा संत है. जब शुक्राचार्य ने कह दिया था वामन अवतार के समय बलि को कि भगवान के आगे समर्पित मत हो, कृष्ण के आगे, उन्होंने अपने गुरु को त्याग दिया लेकिन भगवान को नहीं त्यागा. क्योंकि हमको भी भगवान का भजन नहीं छोड़ना है चाहे कुछ भी हो जाए. 16 राउंड इज द मिनिमम. अदरवाइज हरिदास को 3 लाख जो टू इंक्रीज, दैट इज ओनली रेमेडी. वन हैज गॉट, ही विल मेक प्रोग्रेस विदाउट एनी ट्रबल. That determination very difficult. That determination, वो दृढ़ता बहुत मुश्किल है. लेकिन उनका कहते हैं कि हरिदास तो 3 लाख हरिनाम करते थे, वो दृढ़ता आपको अपने हृदय में लानी पड़ेगी. वो दृढ़ता बहुत कठिन है. वो दृढ़ता उनका संग करने मात्र से आएगी. जो खुद भजनशील है वही आपके अंदर दृढ़ता पैदा कर सकते हैं. जिनका भजन कमजोर है वो आपके हृदय में कभी भी दृढ़ता नहीं ले आ सकते. आई मस्ट बी कृष्ण कॉन्शियस फुली. दैट डिटर्मिनेशन, मुझे कृष्ण कॉन्शियस में बने रहना है, ये दृढ़ता हमको अपने अंदर आनी है. इसे उन भक्तों का संग करो जो भजनशील है, जो 1 लाख 2 लाख 3 लाख हरिनाम करते हैं, वो आपको हेल्प करेंगे. जो स्वयं 1 लाख हरिनाम नहीं करे 64 माला, वो आपकी क्या हेल्प करेंगे? उनको तो डर लगेगा बोलने को कि माला 16 से ज्यादा करो, वो घबरा जाएंगे, कैसे बोलो. खुद जो नहीं करे हैं, जो ए आदमी जो 80 माला करता है और 16, उसकी रियलाइजेशन बहुत अंतर होता है. जो 128 करता है और जो 64 माला का, उसकी रियलाइजेशन में भी बहुत अंतर होगा. इसलिए जितना जितना भजन का स्तर बढ़ेगा आपकी रियलाइजेशन बढ़ेगी, आपकी मेंटल लेवल अलग होगी. तो ये था पहला मैंने आपको दिया. दूसरा प्रमाण, लेटर टू इंदिरा आयरिस मेंडोंजा एक आनी एस्थर मेंडोंजा सैन फ्रांसिस्को 17 दिसंबर 1967 वहां पे एक चिट्ठी लिखी है. आई एम वेरी ग्लैड टू लर्न दैट यू आर चैंटिंग 48 राउंड. मुझे बहुत खुशी हो रही कि आप 48 माला कर रहे हो. एक्चुअली इट इज ऑल राइट दैट वन शुड चैंट 64 राउंड. अरे बहुत अच्छा, अगर आप 64 राउंड करोगे, इवन 16 राउंड, सो वन इज एबल टू चैंट मोर देन 16 राउंड अप टू 64, इट इज वेरी गुड. कोई इंसान 16 से अगर 64 माला रोज कर सकता है तो ये अति उत्तम है, अति उत्तम है. यू फिक्स अप योर राउंड, ट्राई टू इंक्रीज बट नेवर डिक्रीज. कहते अपनी संख्या फिक्स करो, कोशिश करो, अति उत्तम है 64 करोगे तो उसे कभी कम नहीं करना, ये उसको कहा है. लेटर टू हंसदूत 23 मार्च 1969, हंसदूत को चिट्ठी लिखी थी 23rd 1969. यस इट इज वेरी गुड इफ यू कैन चैंट 64 राउंड. This is very nice if you can do. बहुत अच्छा, अगर तो 64 rounds कर सकता है, बहुत अच्छा, तेरे को करना चाहिए तो कर. ये उन्होंने चिट्ठी में लिखा है हम सुदूत को. एक लेटर और है,
letter to Bhakti Jan, Los Angeles, 12th February 1968. So Bhakti Jan ko ek chitthi likhte hain, I shall advise you again to chant always. Main tere ko salah deta hoon ki tu nirantar jaap kar, increase the counting, aapki sankhya ko badha. Namely 16 rounds is generally prescribed. Lekin keval 16 malam generally prescribed karte hain naye logon ke liye. But for the time being, you can stop all other activities and increase the chanting to 64 rounds. Ab sab kaam chhod dijiye aur 64 mala kariye aur dekhiye aapko kaise phal prapt hota hai. ये सारे प्रमाण हैं. हमने एक बार उनके स्वामी महाराज जी के गण में भी पढ़ा है, जब दो ब्रह्मचारियों में युद्ध लड़ाई होती थी, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते, लड़ाई होती थी, तो उनके पास आते थे प्रभुपाद. प्रभुपाद वो हरि नाम कर रहे थे, बैठ के जाप कर रहे थे, ये है वो है, उनकी छाती कंप्लेन करने की. तो स्वामी महाराज पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी राउंड्स हैव यू चैंटेड? कोई कहता आठ, कहता छह. कंप्लीट अ राउंड एंड देन कम टू मी. आपकी संख्या पूरी करो फिर आओ. जब आप 16 माला आके आओ, नॉट टेल मी व्हाट इज द प्रॉब्लम, कहते ऑल सॉल्व. यस, हरि नाम से ही तो सब प्रॉब्लम सॉल्व होती है, यही तो मैं समझा रहा हूँ. क्योंकि तुम जप नहीं करते तभी तो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तभी तो पॉलिटिक्स हो रही है, नहीं तो ये क्यों होती थी अगर जी जप करता रहता. तो मैं आपको बहुत अच्छी बात एक और बता रहा हूँ. एक डिवोटी प्रश्न कर रहा है, व्हेन चैंटिंग आवर 16 राउंड्स वी आर नॉट श्योर इफ दिस राउंड आर सिंसियर. हमारे मन में ये प्रश्न था आमतौर पर, दिस अ वेरी कॉमन क्वेश्चन. लोग बोलते हैं कि हम बराबर जप कर रहे हैं, कि हम क्वालिटी जप कर रहे हैं क्या. प्रभुपाद कहते हैं यू शुड बी श्योर, तेरे को श्योर चाहिए तू बराबर जप कर रहे हैं. डिवोटी, हाउ कैन वी बी श्योर, हम कैसे श्योर हो. प्रभुपाद ग्यारह बीट्स, मैं तुमको माला दिए, माला घुमाओ, मालूम पड़ेगा एक माले, चार माले, छह माले, कितनी माला की, तुम्हें मालूम पड़ जाएगा उसे. तो देयर आर बीट्स. तो ब्रह्मानंद जो क्वेश्चन डिवोटी ब्रह्मानंद पूछे, नो ही सेइंग, जो उनके जो अदर शिष्य तो कह रहे हैं, ही सेइंग दैट व्हेन वी चैंट आवर राउंड्स, हाउ कैन वी बी श्योर व्हेन वी चैंट द राउंड्स दैट द राउंड इज परफेक्ट अटेंटिव राउंड सिंसियर. जो हम जो राउंड कर रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हम अटेंटिव हैं, हम सिंसियर हैं और हम परफेक्ट राउंड चैंट करें. प्रभुपाद therefore it is shastra, you must, there is no question of understanding. शास्त्र में क्या आपको माला करनी है. स्वामी महाराज जी ने तो ये रिप्लाई दिया, आप ये तो आप जाप करिए, उसमें समझना क्या, माला दी माला करो वही तो, उसमें समझना क्या. ब्रह्मा ने फिर क्वेश्चन किया, द क्वालिटी ऑफ द चैंटिंग ही इज आस्किंग, हाउ कैन वी मेक द क्वालिटी द बेस्ट, हम कैसे मानेंगे कि ये जो क्वालिटी जाप कर रहा है ये बेस्ट क्वालिटी जाप कर रहा है. जो यही हम सबका प्रश्न और हमको यही क्वालिटी के नाम पे भटकाया जाता है. ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के आंसर सुनिए, फिर कोई क्वेश्चन आपके मन में रहना नहीं चाहिए. क्वालिटी यू शैल अंडरस्टैंड, फर्स्ट ऑफ ऑल कम टू द क्वांटिटी. पहले क्वालिटी तो बाद में समझ में आएगी, पहले नाम जप करने की आदत तो डालो, क्वांटिटी तो करो. विदाउट हैविंग क्वांटिटी हाउ ही शैल अंडरस्टैंड द क्वालिटी, जब क्वांटिटी ही नहीं करोगे तो क्वालिटी कैसे आपको समझ में आएगी. अरे भैया आप रोज गाड़ी चलाओगे, एक दिन तो आप क्वालिटी ड्राइविंग करोगे. जब आप गाड़ी केवल लाइसेंस लेके रख लिया है और आप ड्राइविंग करते नहीं हो तो क्वालिटी कहाँ से आएगी. रोज चलाने मात्र से तो आएगी, तो पहले क्वांटिटी तो करो फिर क्वालिटी आएगी. यू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ ए स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ द शास्त्र, आप अपने गुरु की बात मानिए, शास्त्र की बात मानिए, दैट इज अवर ड्यूटी. Quality, no quality, it is not your position to understand. तू समझ नहीं सकता quality या no quality, ये तेरे में क्षमता नहीं अभी समझने की. When the quality comes, there is no force. Quality होएगा तो किसी को जोर नहीं लगा जाता कि माला करनी पड़ेगी. You will have a taste for chanting, तेरा दिल करेगा जप करने को. You will desire at that time, why 16 rounds, why not 16,000 rounds? 16 माला क्यों, 16,000 माला क्यों नहीं, तब दिल करेगा मैं माला कर बढ़ने को ही क्वालिटी जाप करते हैं कि मैं और जाप करूं और 16,000 माला क्यों ना करूं. ये जाप हमारे मन में ये वृत्ति आना ही एक्चुअली क्वालिटी चैंटिंग.
But when you come to the quality, then you will feel why 16, why not 16,000? जब आप real quality जाप करोगे, तो आपकी तो जीवा रुक ही नहीं सकती है, क्योंकि कृष्ण नाम अमृत से भी ज्यादा मादककारी है. आप पागल हो जाओगे, रात दिन जपते रहोगे, तो आप क्या बोलोगे, why not 16,000? That is quality. 16,000 जाप मैं रोज क्यों ना करूं, why only 16,000 क्यों नहीं? That is quality. Automatically, just like Haidar was doing. Haidar's क्या करते? He was not forced. उनको कोई force कर रहा था कि तुम 3 lakh हाइनम करो, 192 माला करो. कोई भी नहीं कह रहा था. Even Chaitra Mahaprabhu, he requested. Now you are old, you can reduce. So he refused. Mahaprabhu ने कहा था, जब ये बीमार हो गए थे, शरीर छोड़ने का समय आ गया था उनका, कि आप बूढ़े हो गए, अभी आप कम कर दो, 3 lakh हाइनम मत करो. उन्होंने कहा, प्रभु मेरी यही तो problem है कि मैं नाम कम नहीं कर सकता. हमारी संख्या बढ़ती नहीं और उनकी संख्या कम होती नहीं. दैट इज क्वालिटी. नो अप टू द एंड ऑफ माय लाइफ आई शैल गो ऑन. मैं आखिर मृत्यु तक मैं हरिनाम करता रहूंगा. दैट इज क्वालिटी. हैव यू गॉट सच टेंडेंसी? क्या आपके अंदर वो वृत्ति है? देन हाउ विल यू गो ऑन चैंटिंग एंड नथिंग टू डू? फिर आप कैसे लगातार जप करोगे, कुछ नहीं करना? एक्चुअली हमको लगातार जाप ही करना है, क्योंकि तुम जाप नहीं कर सकते हो, इसलिए मैं तुमको बहुत सी सेवाएं देता हूँ. ये करो वो करो, कम से कम पाप कर्म तो नहीं करोगे, लेकिन जाप की आदत पड़ गई, फिर कोई सेवा की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हाई सेवा नाम जाप. क्योंकि तब आपको हरिदास ठाकुर की तरफ जो आदत पड़ जाएगी 192, फिर कोई सेवा नहीं रह जाती. क्योंकि हम नहीं करते हैं, तुमको पाप कर्म से बचाने के, बिजी रखने के लिए मैं ये बोलता हूँ, ये भी कर दो, वो भी कर दो, तुमको बिजी रख रहा हूँ इसी वजह से. Have you got such tendency? Then you will go and chant nothing to. That is quality. Now you are forced to do. अभी तो आपको मजबूर की, तुम 16 माला करो, कैसे भी करो, तुम्हें तो force किया जा रहा है. Where is the question of quality? Where is quality की बात कहाँ पे आ रही अभी तो? That is a given a chance so that one day you come to the quality. तुमको तो मौका दे रहा हूँ जॉब करने का, एक दिन तुम quality पे होगे. Now that you can come to the quality, यानी कि तुम आज जा सकते हो. Quality is different. क्वालिटी तो बहुत अलग चीज है. आसक्ति अटैचमेंट, आसक्ति तो पहले होए भगवान के, आई एम सो अटैच, मैं हरि नाम को एक पल भी नहीं छोड़ सकता हूँ. हमें तो अटैचमेंट भी नहीं है, हमको तो पता नहीं होता कि माला हमारी मठ पे पड़ी होती है, मंदिर में हम भूल जाते हैं, हम तो भूल जाते हैं कि आज माला भी हमको करनी है, हमको और हम कई दिन बिगैर माला के हम बिताते हैं, कोई चिंता ही नहीं होती, हम तो देखते हैं सब चीजों को. Just like Rup Goswami says, Rup Goswami क्या बोला, how shall I chant with one tongue and how shall I hear two ears? कहते एक जीभ और दो कान कम है, हरि नाम में इतना रस है, मैं क्या बताऊं? Had it been millions of tongues and trillions of ears, then I could enjoy it. अगर मेरे करोड़ों जीभ और करोड़ों कान होते, तब मैं इसको enjoy करता था. That is quality. इसे quality कहते हैं. जो कहते हैं क्वालिटी जब करते हैं, 10 माला करते हैं, 4 माला करते हैं, सब झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे आप लोगों को. तुम एक माला करो, 2 करो, 4 करो, 6 करो, क्वालिटी जब करो, के ऑल आर चीटिंग और कुछ नहीं कर रहे हैं आपको. हम चीट होना चाहते हैं, इसलिए हम चीट हो रहे हैं. हमको करने की इच्छा नहीं है, हमारे पाप प्रबल है, हमारे अपराध प्रबल है, हम साधु संग करते नहीं, कथा सुनना चाहते नहीं है. हमने इंस्टीट्यूशन ज्वाइन किया था क्यों? बस ये लोग मुझे भक्त समझे, मेरी शादी हो जाए, मेरे को रिश्ता आ जाए, मेरे को ये मिल जाए, मेरे को मेरी रिस्पेक्ट बढ़ जाए. भजन करने के लिए ज्वाइन नहीं किया था हमने. दिस इज क्वालिटी. क्वालिटी इज नॉट सो चीप. मे बी आफ्टर मैनी बस, कई जन्म बीत सकते हैं इसमें. फॉर द टाइम बींग यू गो ऑन फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन, इट इज बींग डन बाय फोर्स. वेयर इज द क्वालिटी? आज तो आप लोग को फोर्स किया जा रहा है, तुम 16 मालक हो, तुम वो भी नहीं करो, तुम कौन सी क्वालिटी की बात कर रहे हो यहाँ पे? सो यू वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड क्वालिटी? आप क्वालिटी समझना चाहते हो? दिस इज द क्वालिटी. यू शैल नॉट बी फोर्स, बट ऑटोमेटिकली यू शैल डिजायर. आपको कोई फोर्स नहीं करेगा. जा आपकी इच्छा की मैं जाप करूँ और जाप करूँ और जाप करूँ, ये इच्छा होनी चाहिए. दैट इज क्वालिटी. आई एम राइटिंग बुक्स, आई एम नॉट बींग फोर्स बाय एनी. मैं ग्रंथ लिख रहा हूँ, मुझे कोई फोर्स नहीं करा ग्रंथ लिखने को. एवरी वन कैन डू दैट, कोई भी कर सकता है. One does not do. आदमी क्यों नहीं करता है? Why I get up at night 1 o'clock and do this job? मैं रात को क्यों 1 बजे उठता हूँ और ग्रंथ लिखने शुरू करता हूँ? Because I cannot do. क्योंकि मैं इसके बगैर रह नहीं सकता हूँ. How one will do it artificially? क्या artificially ये चीज कराई जा सकती है?
दिस इज क्वालिटी, इच्छा होनी चाहिए और जप करने की, दैट इज क्वालिटी, और मैं रीडिंग करूं और कथा सुनूं, दैट इज क्वालिटी। देयरफॉर दे लाइक माय पर्पस, तभी तो उनको मेरे पर्पस अच्छे लगते हैं। दैट क्वालिटी शोन बाय चैतन्य महाप्रभु। क्या कहते हैं महाप्रभु, शून्य यतम जगत सर्वन गोविंद बिरहन में, कि जैसे हमारा घर का कोई अतिश्रेय प्रिय बंदा मर जाता है तो हम क्या बोलते, संसार खाली हो गया है, मेरा सब प्रिय बन के। अरे बंबई में 1.5 करोड़ लोग थे, पूरे हिंदुस्तान में 150 करोड़ लेते, तो खाली कैसे हो गया है? नहीं, मेरा जो अति प्रिय उसके बगैर संसार मिले बेकार है, सब खाली है। क्या हमें कभी गोविंद के लिए इस प्रकार के भाव आए, गोविंद के लिए मेरे लिए सारा संसार बेकार है, खाली है, क्योंकि गोविंद से प्रेम ही नहीं है। शून्य इतम जगत सर्व गोविंद के बगैर जब हमको ये भाव आएंगे, तब हम कहेंगे हम क्वालिटी जप करे हैं। द होल वर्ल्ड इज वैकेंट, अच्छा दैट इज क्वालिटी, जब महसूस होना चाहिए। शून्य इतम जगत सर्वम गोविंद बिरहन में, जस्ट लाइक वी हैव गॉट टू प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, वन मैन बिलव्ड हैज डाइड, किसी का कोई प्रिय मर गया, एंड इज सीइंग द होल यूनिवर्स वैकेंट, उसे पूरी दुनिया खाली दिख रही है, क्या संसार खाली हो गया है? सो दैट इज क्वालिटी ऑफ लव। सो देयर इज नो फॉर्मूला ऑफ क्वालिटी, उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। इट इज टू बी अंडरस्टूड बाय हिमसेल्फ, इंसान को खुद समझना चाहिए मैं क्वालिटी। द डिजायर टू चैंट मोर, आई कैन नॉट स्टॉप चैंटिंग, द डिजायर टू हियर मोर, मैं और कथा सुनूं, मैं इसके बगैर रह नहीं सकता, दैट इज एक्चुअल क्वालिटी। जस्ट लाइक आफ्टर ईटिंग समथिंग यू फील रिफ्रेश एंड गेस्ट, जब खाने के बाद जब आपको ताकत मिलती है और आप फ्रेश हो जाते हो, दैट इज क्वालिटी। यू हैवंट गॉट टू टेक सर्टिफिकेट, आपका लोगों से सर्टिफिकेट चाहिए और मेरा पेट भर गया है या मेरे को ताकत आ गई, आपको महसूस होगा। जाप करने की वृत्ति बढ़ना इज क्वालिटी। व्हाई डू यू वांट सर्टिफिकेट कि लोग मुझे कहे कि तू क्वालिटी जप कर रहा है, रोटी खा तो ताकत आती है, पेट भरता है, फ्रेशनेस फील होती है, तो दैट इज क्वालिटी। तो सिमिलरली आपका जाप करने की जाप बढ़ती जा रही, आप जाप रोक नहीं पा रहे हो, 128 माला भी कम लगती है, 192 भी कम लग रही है, जीव जीव खत्म है, राधे नाम जपो, दैट इज एक्चुअल क्वालिटी व्हाट वी आर डूइंग। नहीं तो सब बोगस है, सब झूठ बोल रहे हैं आपको, ऑल आर चीटर्स, सब चीटर्स है जो आपको इस प्रकार रोकते हैं। ज्यादा माला क्वांटिटी पे कॉन्सेंट्रेट में, क्वालिटी पे करो, कौन सी क्वालिटी, ये क्वालिटी है, क्वांटिटी करोगे तो क्वालिटी आएगी, ये इच्छा करते करते आदत पड़ती है, इससे ये शब्द जाल में मत फंसो, डोंट, ये वर्ड जगलरी है, डोंट फॉल ट्रैप इन द वर्ड जगलरी, इन शब्दों में मत फंसो। यू शैल, अच्छा, व्हेन यू फील सो मच एक्सेसिव चैंटिंग हरे कृष्णा, दैट इज क्वालिटी, जब आपको आनंद आ रहा है जब, दैट इज को क्वालिटी बोलते हैं, नॉट ऑफ यू चैंट चैंट अदरवाइज गेट आउट, नहीं तो जाप जब रस्सिया छोड़ो, दैट इज नॉट क्वालिटी, दिस इज एक्सपेक्टेशन दैट समडे कम टू क्वालिटी, ये आशा कि एक दिन आप क्वालिटी पे आओगे, दैट रिक्वायर्स टाइम, That requires sincerity. उस पे समय लगता है, सिंसियर होना चाहिए, जीव कहाँ सिंसियर है, बहाने ढूंढता है भजन नहीं करने के, क्या करे, उसने बुला लिया, उसने बुला लिया, उसने बुला लिया। अभी मैंने प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल दिया, उनकी स्पीच में से बोला है कि हमको सब व्यस्त रखेंगे पर नो टाइम टू चैंट, नो टाइम टू हियर हरि कथा, हमको सब चीट करे दुनिया में, वी हैव टू बी वेरी वेरी सिंसियर कि हमको अपना भजन करना है, प्लीज फॉल मत करिए इन ट्रैप में, वेश को देख के प्रभावित मत हो रही, हृदय को देखिए, संत को देखिए, उसकी वाणी को देखिए कि नाम जप की वृत्ति हो रही कि नहीं हो रही, वेश को देखा टिडंड दे लिया जैसे सन्यासी है या महाराज है, कोई गारंटी नहीं है कि वो हाई लेवल पे होएगा, इट इज नॉट कि भारी, हमको अंदर से सन्यासी, अंदर से निष्कामी बना है, बाहर से हम कामी दिखाए, हम बाहर से निष्कामी बन गए, अंदर कामना भरी हुई है, ये चीटिंग प्रोपेंसिटी है। दैट दिस एक्सपेक्टेशन दैट समडे विल कम टू क्वालिटी, दैट रिक्वेस्ट टाइम, they request sincerity, but quality is there. It will be awakened not by force, dheere dheere utpann hogi. This is main jo aapko samjha raha hu, ye AC bhakti vedan swami prabhupad ji ke shabd hai. Ek aur chhota sa ek page padhta hu, loknath jo iskon ke aaj bhi maharaj hain, jo pandharpur mein rehte hain aur abhi paidal yatra nagar sankirtan nikalte hain, unhone question kar diya, prabhupad why we have chosen the 16th as a number to chant around, humne 16 kyun chuna hai चैंट करने के लिए? प्रभुपाद का यस, कहते हाँ हमने चुना है, तो लोकदा कहते हैं वाई नॉट लेस सम, और क्यों नहीं ज्यादा कम? प्रभुपाद वी हैव लाइफ एक्सपेक्टेंसी एटलीस्ट मिनिमम शुरू में के लिए हमने 16 रखा है, लोकनाथ वी आर चैंटिंग 16, प्रभुपाद नो 20 से मिनिमम 16, हमने मिनिमम 16 बोला है, लोकनाथ वाई दैट 16 मिनिमम, क्यों मिनिमम? प्रभुपाद कहते हैं इफ यू कैन 16,000 यू कैन गो,
कहते 16,000 कर सकते हो करो, 16 इज द मिनिमम, बट इफ आर एबल टू चैंट 16,000 दैट इज वेलकम, कहते बहुत खुशी है तुम 16,000 करोगे, वी आर गॉट सो मच एंगेजमेंट. तो कहते इससे तो हम कहते कि तुम करो, स्टिल वी से वी डोंट फाइंड एंगेजमेंट, दैट इज अवर मिसफॉर्च्यून. हरे कृष्ण हरिदास वॉज एंगेज इन चैंटिंग एंड द प्रोस्टिट्यूट केम, हरिदास 300,000 हरिनाम करते बेशाई, शी ऑफर लेटर से कहते कि मुझे एंजॉय करना तेरे साथ, यस लेट मी फिर, कहते मुझे अपना जॉब पूरा कर दो, लेट मी फिनिश दिस चैंटिंग, मुझे अपना नाम पूरा कर दो, सो मच एंगेजमेंट एंगेजमेंट एंड स्टिल वी से दो एंगेजमेंट, हमको कितना काम कर, कहते हमको काम ही क्या करे, कोई सेवा दो, नाम जबकि सेवा है, सेवा है ये, स्वामी महाराज बोल रहे हैं, प्रभुपाद बोल रहे हैं, वी आर गॉट सो मच हरिदास चैंट 192 कहते हमको कितनी एंगेजमेंट है, और हम कहते हमको कुछ काम नहीं है, हमको बिजी करो. हमारे गुरु जी भी बोलते हैं, एक यूक्रेन के भक्त ने उनके पास जाके पूछा कि मुझे जॉब करना है, मुझे बताइए कि भाई मैं क्या करूं, और सेवा. मुझे सेवा करनी, मुझे क्या सेवा करनी है, तो कहते तुमको सेवा नहीं मिली, तो कहते कि कौन सी सेवा, कहते तुमको तुम्हारा हरि नाम हो गया ना, कहते हाँ, तो कहते नाम जप यही तो सेवा है, तो कहते जिस तरीके से तो नाम जप करा करोड़ों जीवन बीत जाएंगे, तेरे को भगवान की प्राप्ति की रात दिन माला करनी. हमारे गुरु जी श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी ने बात कही है आपके प्रकट समय में कि तुम जाप करिए, माला खूब करिए, रात में हमको माला ही करनी है, दिस इज रियल सर्विस. कोई शिष्य आके उनको पूछता था गुरुजी क्या करूं सेवा जिससे आपको प्रसन्न करो, आपको कोई गिफ्ट चाहिए क्या लाके दो, कहते संख्या पूरा 64 माला करो. मैंने खुद पढ़ाई आर्टिकल 64, उससे ये चैतन्य वाणी में पब्लिश हुआ था, और उससे कहा कि उससे मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा, तो मैं 1,00,000 हरिनाम रोज करोगे. तो मेरे गुरु जी ने ये बात बोली है, स्वामी महाराज भी बिल्कुल सेम बात पर है, नो एंगेजमेंट, ही रिफ्यूज टू हैव सेक्स विद अ ब्यूटीफुल यंग गर्ल बिकॉज ही एंगेजमेंट, उसके साथ कोई संग नहीं किया क्योंकि वो बिजी थे. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी फिनिश माय एंगेजमेंट, और हमको अपनी एंगेजमेंट हरिनाम पूरा करना है, एंड वी से वी हैव नो एंगेजमेंट, हमें कहता हमें कोई काम नहीं है, क्या नाम जप करना यही तो सबसे बड़ा काम है. हाउ अनफॉर्चुनेट वी, हम कितने दुर्भाग्यशाली है. लॉर्ड चैतन्य से कितना सदा हरि 24 आवर्स एंगेजमेंट, क्यों कहते कितना सदा 24 आवर ही हैज गिवन, एंड वी सी दैट एंड वी से देयर नो एंगेजमेंट. ये महाप्रभु कहते 24 घंटे चाहे, हमें कहते हमको काम नहीं है, ये हम बिजी नहीं, हमको पास बहुत समय, क्या करूं सेवा, यही नाम सेवा करने निकलना है. कलयुग केवल नाम आधार सुमिस नतरी पारा, इससे मैं वाणी को विश्राम देता क्योंकि 7 बज चुके हैं. नाम की महिमा हम कल कंटिन्यू रखेंगे. मैंने आपको कलिसंत उपनिषद से, चैतन्य भागवत से, और एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के ग्रंथों में से मैंने आपको पढ़ के बताया है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं, क्या इंस्ट्रक्शन वो एक्चुअली दे गया. ये बुक मेरी पब्लिश की नहीं, मेरे मठ की नहीं है, इस्कॉन जो से पीबीटी के द्वारा पब्लिश की गया, उस पर सारी बातें लिखी है. अब इसके बावजूद कोई अगर बोलता कि मैं नहीं करता या मिसइंटरप्रेट करता है, मिस रिप्रेजेंट करता है, ये उसका दुर्भाग्य है, मैं उसके लिए कुछ कर नहीं सकता हूँ. इसी का मैं विश्राम करता हूँ, अपनी वाणी को कल कथा कल कंटिन्यू रहेगी. किसी के मन में कोई सवाल कुछ नहीं समझ आई है, एनी क्वेश्चंस, कोई डाउट, किसी के मन में कोई सवाल है? दंडवत प्रणाम प्रभु जी. दंडवत प्रणाम जी, थैंक यू सो मच फॉर द कथा प्रभु जी, इट वॉज वेरी नाइस. ओके ओके ओके, थैंक यू जी, थैंक यू प्रभु जी. ओके जी, समझ आई आपको? समझ आई? हरे कृष्ण अंकल, दंड प्रणाम. प्रणाम जी, प्लीज प्लीज, दंड प्रणाम अंकल जी, रिक्वेस्ट का दंड